Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 2 more minutes to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. in my mobile, and we'll start this class. My first question is: Can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? Rishi, Rocky, Garima, Saransh, Divakar, Mohammed, Hiral, Gopika, Anamika, and others. The answer is yes. 3% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते. Well, in that case, आप अपने कीबोर्ड पर Control R या Control Shift R प्रेस करिए, Google ब्राउजर यूज करो. उसमें इनकॉग्निटो मोड की भी फैसिलिटी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं. एंड डिसेबल एड ऑन करें तो आपका काम हो सकता है. क्लास में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे गूगल फॉर्म से पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक चैट बॉक्स के टॉप सेक्शन में, और फिर कलेक्टिवली मंगल बुध को उसकी जवाब बनाकर मैं दे दूंगा. हम लोग पढ़ रहे थे पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और उसकी पहला सेक्टर ए फॉर एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में सब लैंड, सीड, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब इनपुट यूज कर दिए, हमने कुछ उत्पादन भी कर दिया. अब आज रात हम उन सभी चीजों को सेल करना शुरू करेंगे. एपीएमसी मंडी में सेल करेंगे, ऑनलाइन ईनाम पोर्टल पे सेल करेंगे. यहाँ पर सुधार के लिए 2 ऑर्डिनेंस लगाए गए, एंड सो मेनी थिंग्स. सो वन बाय वन वी विल सी दैट. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ट्राई सम क्वेश्चंस. अजर्शन, इंडियाज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हैज स्टेडीली डिक्लाइन सिंस 2016-17. भारत का कृषि विकास दर 2016-17 से सतत रूप से गिर रहा है. रीजन, गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड गिविंग सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर एक्सेप्ट यूरिया. यूरिया के अलावा वाले सब खाद पर सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया है. और आंसर कोड आप जानते हैं, बोथ आर करेक्ट, आर एक्सप्लेन्स ए, बोथ आर करेक्ट, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. और आपका टाइमर शुरू होता है अब. किशन, रवि, अनुराग, मोनिका, संजय, अंशुका, सिमरन, शिवांगी, सईद, फरहान, नकुल, अश्विनी, कन्हैया, अमूल्य, संग, प्रिया, तन्वी, सुभाष, अभिज्ञान, कुमुद, आकांक्षा, मनीष, तन्या, जनार्दन, काजल, श्रुति, बशरथ, सोनल, निवेदिता, श्री, विवेक, सुशांत,
चरण, आकाश, गुलशन, तेजेश्वर, रवि, जैकी, आसफा, वुल्फ वॉरियर, सौम्यदीप, फयाज, अश्विन, जतिन, ये सब लोग, फिर कार्तिक, प्रांता, प्रतिम, कुश, धीरज, मोहम्मद, अपराजित, विष्णु, सुहान, आयुष, रॉकी, करेक्ट आंसर्स। करीब 50% लोगों को लगा कि सी जवाब होना चाहिए। लेट अस चेक। पिलर 4A की शुरुआत में मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था कि कैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2016 से, तो देखिए 6.3, फिर 5, फिर 2.9, फिर 2.8, तो ये क्या दिखाता है, स्टेडिली डिक्रीज। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हैज स्टेडिली डिक्लाइंड सिंस 2016-17, वेल दैट इज करेक्ट। उसके बाद 2020-21 का क्या सीन है, वो तो हमको पता कब चलेगा, नेक्स्ट ईयर जब इकोनॉमिक सर्वे और सब पूरा डेटा आएगा फाइनेंशियल ईयर का। गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड गिविंग सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर एक्सेप्ट यूरिया, वो तो किधर, सभी प्रकार की फर्टिलाइजर पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। इवन देयर इज वन न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जहां पर दूसरे भी आप सब केमिकल यूज करें तो भी आपको सब्सिडी मिलती। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, इनमें से कौन सी चीजों के लिए जिम्मेदार है। ग्रांटिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जीआई टैग का काम देखती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, थर्ड स्टेटमेंट ग्रांटिंग अप्रूवल फॉर जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उनको अनुमति देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और फिर आपके ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, ओनली 2 एंड 4, ओनली 1, 2, 3, या सिर्फ 4, या आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपका टाइमर शुरू होता है अब। अश्विन, संतोष, वैभव, मोहम्मद, शाहफुद्दीन, प्रणव, नितिशा, लक्ष्मी, विक्रम, विजिशा, सोनू, फ्रेडरिक, प्रियांक, मोनिका, इग्नोरेंट ब्लॉक, साहिली, खरे, अंबुज, कृष्णा, विकास, जिष्णु, सत्यम, दिवाकर, देव उपाध्याय, नितिन, सुजीत, संजना, संकृति, आकाश, कृष्टि, रविंद्र, मणिकांत, अक्षर, वीरेंद्र, सईद, फरहान, कुमुद, तथागत, दीपा, राजाजी, दीपांशी, कौशिक, दीपाली, सौम्यदीप, किंजल, ये सब लोग, फिर कुश, कार्तिक, मोहम्मद सरमद, सुहान, धीरज, अपराजित, प्रांत, रॉकी, जबीन, विष्णु एंड अदर्स, 2 out of 2 करेक्ट। यहाँ पर करीब 60% लोगों को लगा कि जवाब होना चाहिए बी। लेट अस चेक। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस देना, वो तो भाई कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे उनकी चेन्नई में एक बॉडी है, वो काम देखती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ग्रांटिंग अप्रूवल फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, वो तो भाई एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और उसके नीचे GEAC कमिटी देखती है। सो 1 एंड 3 आर रॉन्ग, जहां पर भी देख के उड़ा दो तो आप अपने पास बचता है, या तो बी या डी हो सकता है। उसमें भी फसल बीमा, कृषि सिंचाई, क्या दोनों एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की योजना है। मैंने आपको पहले भी बोला था, पहली फुर्सत में सब कुछ योजनाओं का रट्टा मार लेना। जो 60% लोगों को सही जवाब आया उनको बताइए, जो 40% के गलत हुए हैं, वेल यू शुड, ये सब बहुत आसान सवाल है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अनदर क्वेश्चन, फाइंड इन करेक्ट पेयर्स, आर्थर लुइस, ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल, स्टेटमेंट 2, जॉन मिल्टन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, स्टेटमेंट 3, एडम स्मिथ, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी, और फिर आपके ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, ओनली 2, ओनली 1 एंड 3, तीनों विधान, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपका टाइमर शुरू होता है अब।
रूपम, अंशुमन, सोनिया, गोपिका, क्षितिज, रूपेश, यश, देव उपाध्याय, अक्षता, उत्कर्ष, आकाश, किशन, जीना, राहुल, प्रशांत, अपूर्व, संतोष, सौरभ, गौतम, वैभव, यूपीएससी एस्पायरेंट, शिल्पा, सत्यम, अनुष्का, शिवम, शिवांगी, अमूल्या, रवि, चरण, श्रीजिता, निलेश, वीरेंद्र, अनुराग, अद्वैत, स्वाति, अक्की, अभिज्ञान, ऋषभ, मोक्षित, चैंडलर, बिंग, शुभम, रॉब स्टार्क, विवेक, ये सब लोग, फिर रॉकी, मोहम्मद सरमद, जबीद, नवदीप, नवाजिश, जतिन, राजा जी, निकुंज, तथागत, जीवी जी, 3 out of 3 करेक्ट। इधर करीब 34% लोगों को लगा बी जवाब होना चाहिए, देन अनदर सम 33% लोगों को लगा कि सी जवाब होना चाहिए। लेट अस चेक, आर्थर लुईस का मॉडल, वो क्या कहता था कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लेबरर्स की संख्या प्रोपोर्शनली कम होती है, और वो जो सिद्धांत था उसका नाम था ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल, सो दैट इज करेक्ट। फिर एडम स्मिथ और उसकी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी, हाँ वो भी सही है, वो ट्रेड बैरियर्स और WTO के साथ जो हमने थर्ड पिलर में चीजें पढ़ी थी। सेकंड स्टेटमेंट ऑब्जर्व, जॉन मिल्टन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी कुछ ऐसा बोलती थी कि अपने पास सारा पैसा है, हम लोग बैंक में क्यों नहीं रखते, थोड़ा कैश अपने हाथ में क्यों रखते हैं, तो उसके जो अलग अलग कारण थे, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेशन मोटिव, ट्रांजेक्शन मोटिव, तो वो कुछ नाम तो सुना था बट वो कौन था, जॉन मिल्टन नहीं था, जॉन मिल्टन तो एक कवि का नाम है, वो था जॉन मेनार्ड कीन्स जो इकोनॉमिस्ट था, यानी सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और हमको पूछा है फाइंड इनकरेक्ट पेयर, तो जवाब क्या है, सिर्फ ओनली 2। तो इधर 34% लोगों ने जो करेक्ट किया उनको तो बधाई, ये 33% लोग जिनसे गलती हुई उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने डायरेक्टिव वर्ड पे गौर नहीं किया और 1 and 3 आर करेक्ट ऐसा करके ये टिक किया, तो भाई वो तो आपको नहीं पता है और गलत जवाब हो, उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि अपने को सही जवाब पता है और फिर भी गलत टिक हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये तो मेरे ख्याल से कितने सारे लेक्चर, 40-45 लेक्चर से मैं बोल रहा हूँ, तो भाई अब तो ये गलती मत किया करो। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत कृषि विकास योजना इज एम्ड एट, इसका उद्देश्य क्या है? एनकरेजिंग द कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस एज पर द एंशियंट टेक्स्ट, पुरानी प्राचीन ग्रंथों में लिखा है उस प्रकार से खेतीबाड़ी करने को प्रोत्साहन देना है। एनकरेजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, थर्ड स्टेटमेंट एनकरेजिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स फॉर द आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, दवाई वाली औषधि जड़ी बूटियों का उत्पादन करना है आयुर्वेद के लिए। और फिर आपके ऑप्शन है only 1 and 2, only 2, only 1 and 3, ऑल 3 स्टेटमेंट, या आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपका टाइमर शुरू होता है अब। गौरव, देवेश, सुशांत, स्वाति, शिवांगी, जगदीश, श्रेय, विजिशा, महक, परिनिधि, उत्कर्ष, आयुषी, सत्यम, किंजल, जेबी, ज्ञान, अनिमेश, तथागत, त्रिदीप, यश, नसीब, विष्णु, मंदरा, सईद फरहान, गुलशन, गरिमा, अजीत, कुणाल सिंह, समीर, राजगुप्ता, गर्वित, सुधांशु, शिबानी, निकुंज, वकेफ, ध्रुविका, ममता, वीरेंद्र, ये सब लोग, फिर रॉकी, जबी, नवाजिश, निकुंज, राजा जी, तथागत, जीवी के, सौम्यदीप, दीतिशा, गौतम, 4 out of 4 करेक्ट। यहाँ पर करीब 82% लोगों को लगा कि जवाब होना चाहिए बी, तो ये सब लोग सही है। इनकरेजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना। ये पहला स्टेटमेंट की एनकरेजिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एज पर द एंशियंट टेक्स्ट, प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से,
ये बात सही है कि एंशियंट इंडिया में कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं थे, तो वहां पर प्राचीन ग्रंथ में कुछ ऐसा नहीं लिखा होगा कि यूरिया डालना और फॉस्फेट डालना, लेकिन वो सब बात हमको प्रेस स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्टिव के रूप में लिख के नहीं दी है। तो भले परंपरागत हम जो चीज कर रहे हैं, बट वो स्पेसिफिकली सरकार ने ऐसा नहीं बोला कि वो एंशियंट टेक्स्ट में लिखा है उस हिसाब से करेंगे। सो देयरफॉर वन इज रॉन्ग, और वन गलत हो जाता है तो ए सी और डी सभी गलत होते हैं, तो जवाब क्या है, ओनली बी। तो इधर 82% लोगों के करेक्ट हुए वो बधाई की बात है, पर आगे वाले प्रश्न में सिर्फ 33-34% लोग सही करे, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ये सब जगह पर सब लोगों की 82% लोगों की करेक्ट होने चाहिए, देन इट विल हेल्प यू गेट सम रिजल्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो, अमोंग द गिवन लॉज विच वन इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना कौन सा है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वन अधिकार कानून, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण रक्षा कानून, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, जल विवाद निपटान अंतर राज्यों के बीच उसका कानून। और आपका टाइमर शुरू होता है अब। हर्षित, विकी, अंकुर, कल्पना, ऋषभ, विजिशा, अखिल, शिवम, उत्कर्ष, नकुल, प्राची, चरण, सर्वेंद्र, दिलीप, नसीब, विभोर, मोहित, पंकज, तेजेश्वर, सजीत, सजदा, वैभव, अंकुर, आशीष, ये सब लोग, फिर जबीन, रॉकी, नवाजिश, जीवीके, चरण, अभिज्ञान, वीरेंद्र, अनुराग, अमूल्या, विकी एंड अदर्स, करेक्ट आंसर। यहाँ पर 25% लोगों को लगा सी जवाब होना चाहिए, 37% लोगों को लगा डी जवाब होना चाहिए। लेट अस चेक। मित्रों, ये जो पहले दो कानून है, फॉरेस्ट राइट एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये रिलेटिवली यंगर कानून है। ये करीब करीब अर्ली 2000 में आप बोल सकते हैं, तो जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर की सरकार थी उस जमाने में ही नए कानून बने थे। यानी ए और बी जवाब नहीं हो सकता कि ये सबसे पुराने वाले कानून है। सो वी आर एट 50-50 स्टेज कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो सकता है या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो सकता है। तो जिन लोगों ने ए या बी करा है, दैट वो आपने 50-50 वाली टेक्निक अपनाने की जरूरत थी। एनीवेज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बनता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो हमने लैंड रिफॉर्म में परिचय लिया था 2006 में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी इरिगेशन स्कीम से पहले, ईयरबुक इन्फॉर्मेशन हम देख रहे थे वहां हैंडआउट में दिया, 86 में बनता है। और उसी वो जल शक्ति मंत्रालय में हमने पढ़ा था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 56 में। तो विच वन इज ओल्डेस्ट, तो जवाब क्या हुआ, डी इज द ओल्डेस्ट। और यहां पर भी आप लॉजिकली अगर एनालाइज करें तो हमने दो ऑप्शन तो निकाल दिए, अब बचता है पर्यावरण की रक्षा या वाटर की। तो आप सोचना शुरू करिए कि आजादी के बाद स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के दिमाग में सबसे पहली कौन सी चीज आई होगी? पर्यावरण की रक्षा करनी है कि नदियों का पानी बांटना है? किस चीज पर ज्यादा लड़ाइयां होती होंगी? ऑब्वियसली एनवायरमेंट, तो अभी ये लेट 80s के बाद वो सब चीजें आई हैं, तो रिवर प्रोटेक्शन या रिवर डिस्प्यूट की बात सबसे पहले हुई होगी। सो द आंसर शुड बी डी। एग्जैक्ट ईयर सबके याद करने जाने की जरूरत नहीं, बट रिलेटिवली कौन आगे कौन पीछे ये पता होना चाहिए। एंड सेकंडली, कुछ इसमें ऐसे कानून है जिसके ईयर हमको पता होने चाहिए मीन्स में भी, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि वो जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो इसका ओरिजिन से आप शुरुआत उसकी कर सके। खैर, तो आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एग्रीकल्चर आउटपुट में ये जीवन जैसे कुछ बनिए श्रॉप साहूकार जो किसानों को कर्जे में पैसा देते थे
और फिर कर्जा लिया है तो मैं तुम्हारा सारा अनाज ले लूंगा करके, भले 50 रुपए का उसने कर्जा दिया हो बट 200 रुपए का अनाज उसके घर से वो उठा के ले जाते थे अपने गुंडे बदमाश लाकर। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए एपीएमसी कानून बनाए, जहां पर ये लिखा गया था कि फर्स्ट सेल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन हैपन एट एपीएमसी मंडी ओनली। किसान के घर से सीधा नहीं खरीद सकते, मंडी पर पहली बिक्री होगी। तो वो उसका इंट्रोडक्शन था कि कैसे आजादी के बाद जमींदारी तो खत्म हुई बट फार्मर का शोषण जारी था, लोकल बनिया मनी लैंडर परेशान करते थे, तो एपीएमसी मंडी वाला ये कानून बनाया गया था। बट देर वेर प्रॉब्लम्स इन द एपीएमसी मंडी एक्ट कि वहां पर कैसे उसके जो ट्रस्टी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसी जो चीज होगी वहां पर बैठने वाले सब पॉलिटिकल एलिमेंट्स, कार्टेलाइजेशन, फार्मर को अच्छे प्राइस नहीं देते थे, मंडी टैक्स फीस के नाम पर बहुत सारे पैसे लेते थे, लेकिन फिर भी वो मंडी के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, वाटर सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा बिगाड़ हो जाता था, स्वच्छता, भंडारण, शीताघर की व्यवस्था नहीं, खाद्यान्न की बर्बादी होती थी। तो इसे लड़ने के लिए क्या, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और उसका 7th शेड्यूल, वहां पर कुछ लिखा है कि कौन से विषय पर कौन कानून बना सकता है। जैसे सिटीजनशिप, नागरिकता, तो वो यूनियन लिस्ट में है तो केंद्र सरकार वाली जो पार्लियामेंट है वही कानून बना सकती। उसी प्रकार एग्रीकल्चर या आप कहें लैंड, तो ये सब ऐसी चीजें जो स्टेट लिस्ट में है तो केवल राज्य की विधानसभा उसका कानून बनाएगी। कुछ चीजें ऐसी है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो मतलब दोनों ही यूनियन भी और स्टेट भी कानून बना तो सकते हैं बट किसका ज्यादा ऊपर माना जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट का, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। एंड देन देयर आर सम रेसिड्यूरी यानी अवशिष्ट विषय, ऐसा विषय जो कि संविधान में कहीं लिखा नहीं बट अब पैदा हो गया तो उस पर कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार। सपोज कि पबजी पर कुछ कानून बनाना या फोर्टनाइट पर कुछ कानून बनाना हो, तो वो तो जब संविधान लिख रहे थे तब तो ऐसी कोई चीज थी नहीं, तो अब कुछ करना हो देन अल्टीमेटली व्हाट शुड हैपन, यूनियन गवर्नमेंट और वहां की जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाए। लेकिन हमने देखा कि कैसे एग्रीकल्चर के अंदर ये अलग अलग स्टेट ने जो एपीएमसी एक्ट बनाए फिर भी उसमें तो सब पॉलिटिसाइजेशन, कार्टेलाइजेशन, किसानों का शोषण चल रहा था। यूनियन गवर्नमेंट सीधा कानून नहीं बना सकती थी, यूनियन ने सब स्टेट्स को बोला कि हम लोग आपको मॉडल आंसर जैसा होता है तो हम आपको मॉडल एक्ट बना के देते हैं और आप अपनी विधानसभा में पास कर दो ताकि सभी स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म एक अच्छा कानून रहे। ऐसा करके 2003 में एक मॉडल एपीएमसी एक्ट सब स्टेट्स को बोला आप अपनाइए, लेकिन कई सारे स्टेट्स ने नहीं अपनाया। फिर आगे चल के मोदी सरकार आती है तो वापस उन्होंने एक नया मॉडल एक्ट बनाकर सर्कुलेट किया, मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट, यानी कृषि उपज भी और लाइफ स्टॉक मतलब मवेशी, जानवर, पशुपालन वाले जो जानवर बेचने हैं उसकी भी मार्केटिंग, उसके लिए मॉडल कानून। फिर 2018 में मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, मतलब ये मैगी या किसान कैचअप या पेप्सी, लेज, वेफर्स बनाने वाली कंपनियां सीधा ही फार्मर से एडवांस में एग्रीमेंट कर दे कि हमको सारा माल बेच देना, उस टाइप की चीज को रेगुलेट करने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया कि आप ये सब पास करिए बट बहुत सारे स्टेट्स ने इसको अपनाया नहीं। जैसे वेस्ट बंगाल ने बोल दिया कि हम ये यूनियन का मॉडल एपीएमसी एक्ट नहीं लागू करेंगे, तो ये तो काफी टाइम से पेंडिंग मैटर थी। उसके बाद आप जानते हैं 2020 कोरोना क्राइसिस, कोरोना क्राइसिस के चलते फार्मर की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई क्योंकि आप समझ सकते हैं होटल, रेस्टोरेंट ये सब बंद है तो खरीदारी कम होगी, लॉकडाउन था तो वैसे लोग भी सब्जी वगैरह कम खरीद पाएंगे, और फिर ये लोग अगर कुछ करके एपीएमसी मंडी में बेचने भी जाएं तो वहां व्यापारी बहाना बनाएंगे कि हमको ही नुकसान चल रहा है, हम आपको क्या पैसा दे। तो ऐसी परिस्थिति में फार्मर की मदद करे तो कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये कुछ तो करना पड़ेगा उसका आउटकम है 3 ऑर्डिनेंस यूनियन गवर्नमेंट ने इशू करवाए। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, यानी कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो प्रेसिडेंट द्वारा कानून बनाने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस या अध्यादेश। तो आप जानते हैं कोरोना क्राइसिस के बाद इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, उसी के अंदर ये कि एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म के लिए हम कुछ ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। पहला ऑर्डिनेंस है एपीएमसी मंडी को सुधारने का, तो कृषि व्यापार अध्यादेश लिख सकते हैं। ऑफकोर्स उसका लंबा नाम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट मेंस आंसर राइटिंग में लिखना हो तो क्या, सीधा एपीएमसी ऑर्डिनेंस या कृषि व्यापार अध्यादेश। सेकंड इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती, ये पेप्सी वाले पोटेटो फार्मर को जो सीड दे दे वो सब बात है। थर्ड इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑर्डिनेंस, आवश्यक वस्तु अध्यादेश।
एक एक करके इनको पढ़ते हैं। बट ऑफकोर्स अगेन द सेम प्रॉब्लम, ये एग्रीकल्चर तो मतलब वो तो स्टेट लिस्ट का मुद्दा है, तो उस पर तो राज्य की विधानसभा ने कानून बनाना चाहिए, केंद्र सरकार खुद से ऑर्डिनेंस इश्यू करेगी, तो एक प्रकार से यूनियन इज एनक्रोचिंग ऑन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद पर केंद्र अतिक्रमण कर रहा है। बट यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा बराबर, बट किसान की मदद के लिए ये जरूरी, दिस इज नेसेसरी फॉर हेल्पिंग द फार्मर्स। तो सबसे पहला हम एक एक करके ये ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले एपीएमसी ऑर्डिनेंस, इसका पूरा नाम कुछ इस तरह से, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा अध्यादेश 2020, और जून महीने में ये सब इश्यू करते। ये पूरे नाम के कुछ कीवर्ड्स हमको पता होना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड ये कानून का नाम याद करके जाना है। यू कैन सिंपली राइट एपीएमसी ऑर्डिनेंस। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने एपीएमसी कानून है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस में लिखा है कि वो सब कानून के ऊपर ये प्रिवेल करेगा, ओवरराइड कर जाएगा। तो मतलब आपके पास अगर विंडोज 2007 विन 7 आपने इंस्टॉल किया हो, बट ऊपर 10 इंस्टॉल करो तो फिर ये गलत, अब से विन 10 सर्वोपरि माना जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो इससे क्या फायदा होगा, वो याद करो एपीएमसी मंडी में सब जीवन टाइप के जो लोग रहते थे, किसान को हम लोग अच्छा भाव क्यों देंगे, हम नहीं देंगे, क्योंकि शोषण और मुनाफाखोरी करने का भी अपना ही मजा है। तो इसको खत्म करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेकर आए। सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट एमसी एपीएमसी एक्ट एक तरफ और यूनियन का ऑर्डिनेंस दूसरी तरफ, क्या अंतर है? स्टेट के जो कानून थे वो इंट्रा स्टेट मतलब राज्य के भीतर ही एक डिस्ट्रिक्ट में पूरे राज्य के अंदर एग्रीकल्चर ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे, जबकि यूनियन का ऑर्डिनेंस वो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन राज्य, सपोज गुजरात में वडोदरा से अहमदाबाद, या महाराष्ट्र में पुणे से नासिक, या नासिक से मुंबई को तो रेगुलेट करता है, ये साथ साथ इंटर स्टेट ट्रेड को भी, अंतर राज्य को भी, मतलब मुंबई से जयपुर तक, उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक, ऐसे ट्रेड को भी ये रेगुलेट करेगा। सो दिस इज वन। सेकंड, फार्मर ये पूछेगा कि मैंने किधर जाके माल बेचना है, बेचू तो किधर, वेयर शुड आई गो एंड सेल इट। स्टेट एपीएमसी एक्ट में तो लिखा था कि पहली सेल हो सकती है सिर्फ एपीएमसी मंडी पर, और किसान के घर के दरवाजे पर तो बिल्कुल नहीं हो सकती, जबकि ये ऑर्डिनेंस बोलता है कि एग्रीकल्चर सेल कैन हैपन एट एनी ऑफ द ऑथोराइज्ड प्लेसेस, जिसके अंदर फार्म गेट किसान के घर के दरवाजे पर भी हो सकती है, फैक्ट्री जैसे किसान या अमूल या की कोई ऐसी फैक्ट्री हो वहां किसान माल लेके जाए उधर भी हो सकता है, मंडी में भी हो सकता है, कोई कोल्ड स्टोरेज चेन हो वहां पर भी जाके आप उसको जमा कर सकते हैं और बेच सकते हैं। सो एट मल्टीपल प्लेसेस इट इज अलाउड। सेकंड, किसान पूछता है बेचू तो किसको, whom should I sell, whom can I sell? APMC Act में तो लिखा सिर्फ APMC मंडी के registered licensee trader को ही जाकर आप बेचे। Ordinance में बोला है कि farmer directly किसी को भी बेच सकता है, provided कि जो buyer है उसके पास income tax department का permanent account number यानी कि PAN card number। तो एक तो मेरे आपके जैसे लोग क्या खरीद सकते हैं, yes provided कि आपके पास PAN card है तो जाके खरीदो सीधा, अदरवाइज तो ये मंडी से आएगा और नीचे जो ठेला लेके आएगा उससे आपने खरीदना है। सेकंड, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, अंबानी वगैरह। थर्ड, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर और भी कुछ प्रकार है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर किया हो, या कंपनी एक्ट में रजिस्टर किया हो, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर किया वगैरह। बट एमसीक्यू बनाने के लिए वो यूजुअली ये 3-4 जो मेन चीज है उस पर ही फोकस करेंगे, तो हमने जान लिया। यानी बहुत सारे लोगों को किसान डायरेक्टली अब अपनी चीज बेच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेचू तो क्या बेचना है मुझे, व्हाट कैन आई सेल? मोबाइल फोन बेचने हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली रेड कलर की टोपी बेचनी है मुझे? द आंसर इज, यहां पर क्या बेचना है फार्मर ने, फूड बेचना है, एग, मीट, डेयरी, कॉटन, जूट, कैटल फॉडर, ये सब चीज वो बेच सकता है अंडर दिस एक्ट। जो स्टेट एपीएमसी एक्ट थे वहां पर ऐसी क्लैरिटी से सब नहीं बोला था, यूजुअली वहां पर क्या बोला गया, एग्रीकल्चर या वीट या ऐसी कुछ चीजें, क्योंकि यूनियन का ऑर्डिनेंस है वहां पर फूड भी है, कॉटन जूट मतलब नॉन फूड भी है, कैटल फॉडर मतलब जो मवेशियों के खाने का चारा वो भी है। सो मल्टीपल थिंग्स आर अलाउड। नेक्स्ट, यहां पर ओके हमने जान लिया फार्मर सब बेच सकता है, बट फार्मर का मतलब क्या है, हु इज अ फार्मर?
यूनियन ऑर्डिनेंस में इसको बहुत वाइडली डिफाइन किया है कि फार्मर का मतलब है, जो हमने आगे पढ़ा वो सब, उक्त कच्चे माल का उत्पादन करने वाला कोई भी व्यक्ति या संगठन उसको किसान मानेंगे। मीन्स एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अबाउट रॉ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, इट इज अ फार्मर। व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। जबकि स्टेट के जो कानून थे उसमें बहुत नैरो डेफिनेशन थी, वो क्या डेफिनेशन थी हमको जानने की जरूरत नहीं, बट वो बहुत संकुचित व्याख्या थी। तो यह मतलब ज्यादा लोगों को कवर कर रहा है ताकि सबको इसका फायदा मिले। एमेजॉन का ई मार्केट प्लेस मॉडल याद करो, हमने पिलर 3A में पढ़ा था कि वहां पर देखिए अपारियो रिटेल, बीआर प्रोडक्ट, ऑल गैजेट्स, वॉल रिटेल, ये सब ने अपनी पेनड्राइव तो है सैंडिस की, बट ये सब अलग अलग विक्रेता उसको बेच रहे हैं और उन्होंने प्रोडक्ट को लिस्ट किया और सामने खरीदने वाले ग्राहक हैं वो उधर से खरीदेंगे। तो अमेजोन का रोल क्या है, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसने इन सब लोगों को अपनी दुकान खोलने दी अपने साइट के ऊपर और फिर वो यहाँ से पेमेंट लेगा, इधर पेमेंट देगा, बीच में उसका थोड़ा कमीशन होगा। सो अमेजोन इज अ मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स द बायर्स विद द सेलर्स। तो क्या ऐसा ही कुछ हम लोग एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते कि एक तरफ सब फार्मर हो जाएं और वो अपना अनाज लिस्ट कर दे कोई ऑनलाइन पोर्टल पे कि ये 3399 में बेचता हूँ, दूसरा बोले 435 में वगैरह, और सामने की साइड पर एलिजिबल बायर्स हो। एलिजिबल बायर्स कौन, जो हमने तीन बड़े नाम लिए, जिसके पास पान कार्ड नंबर है या कोई रजिस्टर्ड कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, या फिर कि ये रजिस्टर्ड कंपनी के नाम पर ब्रिटानिया कंपनी या MDH मसाला, वो सब लोग भी इससे जो भी अनाज स्पाइसेस मसाले वगैरह खरीदना है सीधा ऑनलाइन खरीद सके। ये मंडी में जाओ और मोल भाव करो और वो सब नहीं है, सीधा ऑनलाइन काम हो। तो ऐसे एग्रीकल्चर ई मार्केट प्लेस टाइप के वेबसाइट जहां पर बायर मतलब फूड कंपनीज, सेलर मतलब फार्मर के साथ कनेक्ट हो जाए, फर्स्ट टाइम सेल आफ्टर प्रोड्यूसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या ऐसा कोई पोर्टल बन सकता है? जवाब है हाँ। ये नए ऑर्डिनेंस में बोला है कि ऐसे पोर्टल गवर्नमेंट भी चला सकती है, जैसे कि हम पढ़ेंगे एक ई नाम पोर्टल है, और प्राइवेट प्लेटफॉर्म भी ऐसा कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रिलायंस वगैरह। ऑफकोर्स आपको प्रश्न होगा अभी भी रिलायंस और ये सब तो ऐसा कुछ ना कुछ फ्रूट वेजिटेबल, जैसे एक वेबसाइट है बिग बास्केट, वो तो बेचते ही है, बट वो सब क्या है, उन्होंने पहले कहीं और से खरीदा होगा APMC मंडी से या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से और फिर आपको सेल कर रहे हैं। ये बात ऐसी चल रही है कि फार्मर ने जो पैदा किया और उसने पहली बार सेल किधर करना था, APMC मंडी में, उसकी जगह बात ये हो रही है कि सीधा ही जाके वो वेबसाइट पे लिस्ट कर दे और सीधा ही डायरेक्टली जो बायर है उसको खरीद ले। तो ऐसे पोर्टल बनाने की बात चल रही है, ये नए ऑर्डिनेंस में बोला यस अलाउ करेंगे। जहां तक स्टेट APMC एक्ट की बात है तो यहाँ पर ज्यादातर स्टेट में ऐसे कोई क्लियर प्रोविजन, स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। नेक्स्ट, अगर ये सब फार्मर बेच रहा है तो उसको पैसा कब मिलेगा, वेन विल आई गेट पेड? ऑर्डिनेंस में बोला कि 1-3 दिन के भीतर ही बायर मस्ट पे विद इन द 1-3 working days टू द फार्मर, 1-3 दिन में पैसा मिल जाएगा। स्टेट APMC एक्ट में तो ऐसे कोई क्लियर प्रोविजन थे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बवाल हो गई तो क्या, बायर सेलर में कुछ झगड़ा हो गया, पैसा नहीं दिया या क्वालिटी खराब थी या फोटो में दिखाया था ऐसा माल मुझको नहीं मिला, व्हाट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट? तो स्टेट APMC एक्ट अगेन कोई खास क्लियर प्रोविजन नहीं थे या अलग अलग स्टेट में अलग अलग मैकेनिज्म थी। यूनियन ऑर्डिनेंस में बोला पहली फरियाद आप SDM से करेंगे, उसे ऊपर फरियाद करनी हो तो अपील में एडिशनल कलेक्टर या कलेक्टर, उस पर आप अपील में जा सकते हैं। मित्रों, अन एकेडमी ने, आप जानते हैं कि दिल्ली में फेब्रुआरी महीने में मॉक इंटरव्यू किए थे ऐसे स्टूडेंट के जिन्होंने मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू देने वाले, ऐसे एक एक करके सब इंटरव्यू अपलोड हो रहे हैं। उसमें एक इंटरव्यू आप देखें ये वाले लिंक पर, ऑफ रैंक 267, तो वहां पर पैनलिस्ट उसको पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नीचे कौन कौन लोग काम करते हैं कुछ बताइए। एंड सैडली द कैंडिडेट हैड नॉट प्रिपेयर्ड दोस थिंग्स। तो थोड़ी हमको पता होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या। ऑफकोर्स अलग अलग स्टेट में उसकी चीज अलग अलग हो सकती है, बट बाय एंड लार्ज सिस्टम इज लाइक दिस। एक ही व्यक्ति होता है जिसका टाइटल कुछ ऐसा होता है, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कलेक्टर किसका, टिकट का नहीं, रेवेन्यू का, लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने का काम करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में थोड़ा कुछ न्याय बांटने का या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करेंगे। और आदमी ये कौन होता है, IAS ऑफिसर। इसके बेसिकली चार काम होते हैं DM एंड कलेक्टर के। पहला होता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन,
तो लैंड रेवेन्यू, जमीन का लगान, लैंड रिकॉर्ड्स, किसके पास कितनी जमीन है, वो सब दस्तावेज। और फिर जब भी कोई फ्लड, फेमाइन या कोई भी बाढ़ बारिश हो जाए, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन के नाम पर पैसा भेजेगी कि सब गरीबों को और किसान का जितना नुकसान है पैसा भरो। तो वो कौन पैसा देगा? कलेक्टर देगा। और वो क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके पास सब लैंड रिकॉर्ड है, तो वो बोल सकता है ये फार्मर की इतनी बीघा जमीन थी, उसमें इतना फसल बिगड़ा हो गया, तो ये हम काम करेंगे। सेकंड फंक्शन इज पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो वहां पर वो पुलिस और जेल का सुपरविजन करेगा। फिर वो रायट हो जाए, कर्फ्यू लगाना है, सेक्शन 144, ये सब काम देखेगा। थर्ड फंक्शन इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है। तो डिस्ट्रिक्ट में दूसरे भी डिपार्टमेंट की पैरेलल हायरार्की चलती है कि एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रोड, बिल्डिंग और बहुत सारे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड, तो वो सबके जो जो ऑफिसर्स होंगे उनके साथ वो टाइप करेगा ताकि सभी योजनाओं का सही से इम्प्लीमेंटेशन। और चौथा और आखिरी उसका रोल होता है इज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के जमाने में याद करो कि नीचे राजा की, मुगलों का शासन या किसी लोकल प्रिंसली स्टेट का शासन, और यूरोप का जो आदमी होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां पर कुछ काम करता होगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए वो यहाँ पर बन जाता है एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पर उसका काम है सेंसस यानी जनगणना करना, इलेक्शन, चुनाव करवाना, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल एरिया वहां पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके वेलफेयर के लिए सीधा गवर्नर को कुछ पावर है, तो वो जो भी बोले वो सीधा काम कौन करेगा? ये आदमी। एंड देन लास्टली वीआईपी प्रोटोकॉल ड्यूटीज। वीआईपी प्रोटोकॉल ड्यूटी मतलब सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट मुलाकात में आते हैं, या प्राइम मिनिस्टर, या बराक ओबामा आते हैं, या कोई एक्स वाई जेड वीआईपी आता है, तो उसको रिसीव कौन करेगा, उसकी कौन सिक्योरिटी और सब रहने खाने का इंतजाम देखेगा, वो सबको बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल ड्यूटी, वो भी इसका काम है। एनीवेज सो दैट इज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। आदमी एक है बट उसके दो टाइटल होते हैं। उसके नीचे होता है एडिशनल कलेक्टर, उसके नीचे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उसके नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, पूरी हायरार्की चलती। तो मुद्दा ये था कि एपीएमसी ऑर्डिनेंस में ये फार्मर को तो मजा आ गया कि घर पे भी माल बेचिए, फैक्ट्री में भी जाके बेच सकता है, मंडी पे भी, ऑनलाइन पोर्टल पे भी, बट कोई बवाल हो गया, पेमेंट डिले, व्यापारी ने मुझे पैसा नहीं दिया। सामने व्यापारी या फूड प्रोसेसिंग कंपनी वाला बोल दे ये गेहूं की बोरी का फोटो तो दिया था बट इसने कंकर भेजा है, फार्मर चीटेड मी, तो ये सब विवाद निपटान किधर करोगे? इसकी पहली कंप्लेन कर सकते हैं आप सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, जिस पार्टी को भी, फार्मर को जाना है, कंपनी को जाना है, और जो भी वो वहां से उसे कुछ मिले उसके ऊपर अपील में जाना हो सामने वाली पार्टी को, तो वो कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, वो आदमी उसका काम देखेगा। कुछ जगह पर ऐसा होगा कि सपोज स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पर कलेक्टर खुद से देख सकता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े होते हैं तो वहाँ खुद से सारी फरियाद नहीं हटा पाएगा, तो एडिशनल कलेक्टर को दिया होगा। सो इट डिपेंड्स वो किसको दिया है, हमको इतना भी डिटेल में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो प्रश्न ये था अगर बवाल हो गई तो विवाद निपटान के लिए क्या है? एसडीएम, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर वाली सिस्टम बनाएंगे। स्टेट एपीएमसी एक्ट में तो ऐसे कोई क्लियर प्रोविजन नहीं थे। इसके बाद ये जो सेल हो रही है उसमें कोई फी या टैक्स या ऐसा कुछ लगेगा कि नहीं? स्टेट एपीएमसी एक्ट में तो सब बहुत सारे टैक्स लगते थे कि मंडी टैक्स, फीस, सेस, लेवाई, वो फार्मर पे भी लगाएंगे, ट्रेडर पे भी लगाएंगे। यूनियन ऑर्डिनेंस में बोला है कि ऐसे कोई भी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी टैक्स या फीस ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये जो भी सेलिंग होगा एग्रीकल्चर रॉ प्रोड्यूस का पहली बार, उस पर कोई कर या उपकर या फीस नहीं मांग सकती राज्य सरकार। तो सपोज एक तरफ है फार्मर जो कि कुछ भी बेचने आया है, रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसमें मिल्क, कॉटन, जूट, कैटल, फॉडर, कुछ भी हो सकता है, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट और नीचे एपीएमसी मंडी, वो अलग अलग चीजें उनसे पैसा मांगती थी कि मार्केट लेवाई, एपीएमसी मंडी टैक्स, रूरल डेवलपमेंट सेस, ऐसा करके 7% से लेके 14% तक का टैक्स जो भी सेल हो रहा है उस माल पे स्टेट गवर्नमेंट ले जाती थी। ये फिगर्स एक्चुअली नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट द फैक्ट इज कि ये सब टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा था। यूनियन ने बोला है कि अब से ये सब आप नहीं मांग सकते, ट्रेडिंग होगा बट ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ये सब मार्केट लिवा है, रूरल डेवलपमेंट से और ये सब नहीं मांग सकती जब ये सेल हो रहा है एपीएमसी वाला।
ऑफ कोर्स उसके बाद वाले स्टेज में तो यूनियन गवर्नमेंट टैक्स मांग सकता है. सपोज ब्रिटानिया ने वीट खरीदा तो उस स्टेज पर टैक्स नहीं, बट वो वीट में से उसने बिस्किट बना के बेचा तो उस पर जीएसटी लगेगा. हाँ वो तो कंटिन्यूड है. ब्रिटानिया को बिस्किट बेच के प्रॉफिट हुआ तो कंपनी पर कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा, वो तो कंटिन्यूड है. वो प्रॉफिट में से डिविडेंड के रूप में नीचे शेयर होल्डर्स को पैसा देगा, उस पर पहले लगता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, फिर हमने पढ़ा वो एबॉलिश हो गया, तो अब डिविडेंड पर आपने क्या बना इनकम टैक्स. तो वो सब तो चालू ही है, वो कोई बंद नहीं हुआ. द पॉइंट इज ये पहली बार इधर सेल हो रहा है मार्केट में या ऑनलाइन, जब फार्मर इसको बेच रहा है वो स्टेज पर स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं मांग सकती. अफकोर्स ये सब होगा तो स्टेट्स को भी मजा नहीं आएगा और द हिंदू को तो बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा कि स्टेट्स की फीजल ऑटोनॉमी चली जाएगी. फीजल ऑटोनॉमी मतलब, फीजल मतलब वो सब बात क्या होती है टैक्स और बजट के रिलेटेड, ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता. तो इधर स्टेट्स को पहले स्वतंत्रता थी कि कुछ टैक्स मांग सकते थे, अब नहीं मांग सकते तो क्या करना पड़ेगा, फिर फाइनेंस कमीशन के आगे हाथ फैला के जाना पड़ेगा, हमको टैक्स डेवोल्यूशन और ग्रांट में पैसा और दीजिए. यानी कि दे विल बिकम एट द मर्सी ऑफ फाइनेंस कमीशन. राज्य अगर कर नहीं मांग सकते तो वित्त आयोग के रेमो करम पे अधीन हो जाएंगे. सो दैट इज द क्रिटिसिज्म. एक और न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस के अंदर मित्रों एक एक्सप्लेन सीरीज आती है, बट उसका मतलब ये जरूरी नहीं कि एक्सप्लेन सीरीज के नाम पे जो भी चले वो सब अपना यूपीएससी के लिए ब्रह्म वाक्य हो गया. नहीं, सपोज वो बहुत सीरीज ऐसी चला रहे हैं कि पंजाब का एपीएमसी एक्ट वो केंद्र के फार्म ऑर्डिनेंस से भी बहुत बेहतर है वगैरह. ऐसे द हिंदू में भी सब कॉलम वगैरह चलते हैं कि वाह पंजाब एग्रीकल्चर दिस, तो क्या वो हमारे लिए काम का बन जाता है? उस पर तो यूट्यूब पर दो दो घंटे की केस स्टडी और 15 पेज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल महीने की बनाई और 90 पेज की उसकी 15 पेज इसी में वो तो बिगाड़ देते हैं. इतना कुछ काम करने पे मैक्सिमम आपको पूरे 250 वर्ड्स, उतना तो आपके पास माल हो ही गया है. सो डोंट वेस्ट टाइम. फिर ये जो ऑर्डिनेंस इश्यू किया गया तो उसकी ओरिजिनल पीडीएफ फाइल में तो उसने सेक्शन 6 सेज दिस, सेक्शन 7 सेज दिस, देयर शैल बी अ सब डिविजन अथॉरिटी जिसके अंदर ये होगा वो होगा, ये सब टेक्निकल सेक्शन और टेक्निकल LLB टाइप की चीजें हैं. यूपीएससी ऐसे प्रश्न नहीं निकालता है. तो उसमें लंबी चौड़ी क्रिटिसिज्म चलती है द हिंदू की, ये वाले सेक्शन में ऐसा क्यों है, हमारे काम का नहीं. कुछ प्राइवेट क्विज मास्टर जिन्होंने खुद यूपीएससी के प्रीवियस पेपर का एनालिसिस नहीं किया, वो भी अतरंगी कुछ भी स्टेटमेंट एक दो उठा के only 1 and 2, only 3 and 4, भाई ऐसे सवाल नहीं बनाती, सोच विचार के स्टेटमेंट लिखे जाते हैं. सो डोंट वेस्ट टाइम इन सच फालतू टाइप के MCQs. जो काम की चीज थी दोस्तों हमने पढ़ ली, बाकी फालतू टाइप की है तो पढ़ने बैठे तो 2 घंटे इसी में चलेंगे. एपीएमसी के सामने ये ऑर्डिनेंस जो बना, कुछ क्रिटिसिज्म भी चलते. पहला क्रिटिसिज्म ये है कि यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे किसान का शोषण करेंगी. द बिग ट्रेडर्स एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विल डू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट, दे विल एक्सप्लॉइट द स्मॉल फार्मर्स. वो क्या क्यों कैसे हमको जानने की जरूरत नहीं, वो बस द हिंदू को लिखना है वो लिखते रहेगा. वो कैसे हो सकता है, वो ऑनलाइन पोर्टल पे भी आप सोचिए कि सब बड़ी कंपनियां सोच ले कि हम ये भाव से कम में नहीं खरीदेंगे तो फार्मर को अल्टीमेटली वो प्रेशराइज होके बेचारे ने प्राइस कम करना पड़ेगा वगैरह. सेकंड, यहां पर हो क्या रहा है, लिबरलाइजेशन या डीरेगुलेशन. पहले तो यही था कि सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही जाके आपने सेल करना है, अब बोला कुछ ऐसा नहीं, घर के दरवाजे पे बेचो, फैक्ट्री में जाके बेचो, किधर भी जा सकते हैं. तो मतलब ट्रेड को लिबरलाइज किया, डीरेगुलेट किया गया. ऐसा कई जगह पर और भी हुआ है, एविएशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ. लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा होने पर कस्टमर का फायदा ही हो. फॉर एग्जांपल एजुकेशन में एक जमाने में कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर के स्कूल कॉलेज होंगे, हेल्थ में कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल होंगे और प्राइवेट सेक्टर को उतनी ज्यादा सरकार मदद नहीं करती थी. बट आज जब हम पाते हैं कि बहुत सारा एजुकेशन हेल्थ में प्राइवेटाइजेशन का रुख चलता है तो प्राइवेट कॉलेज में फीस का कितना लूटते हैं, हॉस्पिटल में कितना लूटते हैं. तो जरूरी नहीं कि उदारीकरण और नियंत्रण हटाने से सबको सिर्फ अच्छा अच्छा ही मिलना शुरू हो जाए. हो सकता है किसान 10 रुपए मिले, एमएनसी वाला उसे 10 रुपए में खरीदे, बट हमको एंड यूजर को 20 रुपए में ही मिल सकता है, इट मे बी पॉसिबल. थर्ड, अब याद करो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर था जो कि हमको बोलता था कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं देनी है अगेंस्ट द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन. और फिर हमने वो सब लड़ाई करी थी और पीस क्लॉज के नाम पर हमको टेम्पररी मुक्ति मिली थी. अगर फार्मर को सब ये कॉरपोरेट कंपनियों को बेचने से ही अच्छा अच्छा प्राइस मिल जाता है तो
तो फिर गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी धीरे धीरे कम देनी होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यूरिया एंड दिस एंड दैट, क्योंकि वो फार्मर खुद से अफोर्ड कर पाएगा सब। तो ये सोचते हुए सरकार ने इसको लिबरलाइज किया है ताकि फार्मर को ज्यादा पैसा मिल सके, और भारत सरकार पर जो तलवार लटक रही थी WTO नॉर्म्स वाली सब्सिडी कम करने की, उससे हम लोग बच सके। यानी कि द हिंदू ऐसा भी क्रिटिसाइज करता है कि ये सच्चे दिल से मतलब उन्होंने नहीं किया, ये तो विश्व व्यापार संगठन के दबाव में किया है, और वो तो अमरीका के ऑर्गेनाइजेशन है एंड दिस एंड दैट, बट ये कुछ हमारे लिए इतने एनालिसिस काम की नहीं। इससे पहले इतने सभी सालों में स्वामीनाथन कमेटी, नीति आयोग रिपोर्ट, रामचंद्र रिपोर्ट एंड दिस एंड दैट, बहुत सारे कमेटी बने थी, उन्होंने रिपोर्ट दिए थे। अलग अलग दूसरे देश जर्मनी और न्यूजीलैंड वगैरह के अंदर भी APMC टाइप कुछ कानून है, बट वहां पर ऑब्वियसली बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ट फीचर होंगे, लेकिन अपने ऑर्डिनेंस में वो सारे एलिमेंट को हमने कॉपी नहीं किया। विभिन्न समितियों के सुझाव और विभिन्न देशों के कृषि कानून के अच्छे मुद्दे नहीं अपना कर जल्दबाजी में बनाया गया है, the ordinance has been prepared in haste। तो हम लोग जब मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, यानी कि उसकी पीपुड़ी बजा रहे हो, तो ये मुझे विकीपीडिया पे मिला, बल्गेरियन तंबूरा, और विकीपीडिया बोलता है कि बल्गेरियन तंबूरे में 8 स्टील की स्ट्रिंग होती है, एक नहीं 8 तार होती है। तो 8 तार ये सब हमने देखी, बट वो तंबूरा है, हमको तंबूरा नहीं बजाना है। रियल एग्जाम में ये कुछ काम का नहीं, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, तो काम का नहीं था तो क्यों पढ़ा है? वो इसलिए ताकि आपको पता चले कि कोई भी आपको ये सब ऐसी फालतू चीज, एक कानून की नहीं 25 और कानून होंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट से लेके NPR तक, सब जगह पर सेम लॉजिक अप्लाइज, बल्गेरियन तंबूरा हमको नहीं बजाना है। अल्टीमेटली कंक्लूजन के अंदर क्या करेंगे, अप्रिशिएट करो उसे, अप्रिशिएट करना है, बट भक्तिभाव भी नहीं होना चाहिए, मतलब मंजीरा भी नहीं बजाना है। अप्रिशिएटिव टोन एक ऑफिसर को सूट करे ऐसी भाषा में, सक्सेसिव यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज्ड मॉडल लॉज, उत्तरोत्तर समय में बनी केंद्र सरकारों ने राज्यों को कृषि कानून, आदर्श कृषि कानून लागू करने के लिए मनाने की कोशिश करी। हमने देखा कैसे 2003 में मॉडल एक्ट सरकार ने सर्कुलेट किया था, उस वक्त जो भी मनमोहन सिंह सरकार होगी शायद, फिर मोदी सरकार 2017-18 में नए मॉडल एक्ट सर्कुलेट करती है, लेकिन फिर भी असफल रहे, बिकॉज दिस मॉडल एक्ट्स वेर नॉट यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब आप जानते हैं कि कोरोना वायरस, आर्थिक मंदी, केंद्र सरकार ने जल्दी से कृषि सुधार लागू करने के लिए मजबूर किया। कोरोना वायरस लेड इकोनॉमिक स्लोडाउन देन फोर्स द हैंड ऑफ गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द फार्म रिफॉर्म्स एट अ फास्टर पेस। तो बस इसलिए दिस लेटेस्ट ऑर्डिनेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड इट विल हेल्प इन अ लॉन्ग वे। ये हमें बहुत अच्छी मदद करेगा बाधाओं से मुक्त राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण, क्रिएटिंग वन नेशन वन मार्केट फॉर बैरियर फ्री ट्रेड इन एग्रीकल्चर। इससे निवेश और स्पर्धा को प्रोत्साहन, अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बूस्टिंग कॉम्पिटिशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अल्टीमेटली किसानों की आय दुगनी करने में, डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय कौन सा ईयर था, 2022 तक। और आपको खींचना हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तक भी खींच सकते हैं कि पहला गोल है गरीबी हटाओ, दूसरा गोल भुखमरी हटाओ, तीसरा वर्ग 8 नंबर का गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड 10th गोल इज रिड्यूस द इनइक्वालिटीज। असमानता को कैसे दूर करेगा, कमाने वाले तो सब कमा ही रहे हैं, बट फार्मर एकदम गरीब है, तो वो भी थोड़ा आगे बढ़ सके तो असमानता इनइक्वालिटी कम हो सकती है। सो कंसिडरिंग दिस थिंग्स द ऑर्डिनेंस विल हेल्प इन अ लॉन्ग वे इन अकम्प्लिशिंग ऑल ऑफ दिस। तो हमने ये पहला ऑर्डिनेंस पढ़ लिया, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दूसरा ऑर्डिनेंस देखते हैं, दैट इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
ऑल राइट, सो द फर्स्ट ऑर्डिनेंस ईपीएमसी ऑर्डिनेंस खत्म। अभी दूसरा ऑर्डिनेंस है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध खेती का अध्यादेश। ये क्या है? पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब चीज क्या है और उसकी क्यों जरूरत पड़ी? किसान कैचअप, रियल फ्रूट जूस, ये सब क्या है? फूड प्रोसेसिंग कंपनी। तो इसको टोमेटो चाहिए होंगे, इसको सब फ्रूट्स चाहिए होंगे, बट वो सेम टाइप ऑफ क्वालिटी, कलर, टेक्सचर, फ्रेग्रेंस, ऐसे हो तो ही मजा है। अदरवाइज हर बैच के अंदर कुछ टोमेटो बहुत ज्यादा मीठे हैं, कुछ ज्यादा खट्टे हैं, तो यूनिफॉर्म टेस्ट रहेगा नहीं, तो पब्लिक फिर ये वाला केचप खाना पसंद नहीं करेगी। तो यूनिफॉर्म टेस्ट, क्वालिटी, टेक्सचर के टोमेटोज कैसे बनाए हम लोग? इसके लिए कंपनी खुद से अपने स्पेशल सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वो सब डेवलप कराएगी। फार्मर को बोलेगी रोज दिन में इतना पानी डालना है, हर इतने दिन में ये वाला फर्टिलाइजर डालना है, ताकि यूनिफॉर्म क्वालिटी के उसको प्रोडक्ट मिले। और इसके लिए ये जो कंपनी होगी, चाहे वो किसान केचप हो या मैगी नूडल्स या कोई भी, वो लोग एडवांस में फार्मर के साथ अग्रीमेंट साइन करेंगे। उसको पैदावार करने से पहले, बिफोर प्रोड्यूसिंग द क्रॉप, दे विल साइन द अग्रीमेंट दैट वी विल प्रोवाइड यू सीड्स एंड फर्टिलाइजर, और फिर आपने हमको ये तारीख को इतना फ्रूट वेजिटेबल बना के देना है, जिसका हम आपको इतना प्राइस देंगे। सो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इट इज एन एडवांस एग्रीमेंट बिटवीन द फार्मर एंड द बायर बिफोर द प्रोडक्शन और कल्टिवेशन। इसके लिए भी अलग अलग स्टेट्स ने कानून बनाए थे, लेकिन वो सब में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इसलिए केंद्र सरकार ने अंडर दिस आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव सोचा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म में ये दूसरे नंबर का ऑर्डिनेंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। टेक्निकल नाम इसका है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश। अपने को इतना याद नहीं रहे तो कोई चिंता नहीं, कीवर्ड थोड़े पता होना चाहिए, और डायरेक्ट लिखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑर्डिनेंस, अनुबंध खेती का अध्यादेश। यहाँ पर भी वही बात कि स्टेट के जो भी कानून होंगे या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वो क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन्फ्लेशन में पढ़ेंगे, बट उसके जो भी प्रावधान है उसके ऊपर इसको ओवरराइड माना जाएगा। मतलब पहले विंडोज 7 था, वो सब खत्म, उसके ऊपर ये विंडोज 10 को सबका बाप माना जाएगा। सो व्हाट आर द फीचर्स? सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑर्डिनेंस कहता है कि किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ आइडियल एलिमेंट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ सप्लाई, कि ये जनवरी को साइन करके लिखा हो कि अक्टूबर में सप्लाई करना है, तो पहले डेट लिखी होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि अगर 10 किलोग्राम टोमेटो दे रहे हो तो उसमें से 1 किलो से ज्यादा खराब नहीं होने चाहिए, और जो भी दूसरे टेक्निकल नॉर्म्स लाइक इससे खट्टा नहीं होना चाहिए, ये इतने से ज्यादा दबा हुआ नहीं होना चाहिए वगैरह। एंड सेलिंग प्राइस, सपोज कि हम लोग 20 रुपए में पर केजी के हिसाब से खरीदेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले एडवांस में लिखकर कंपनी ने ये सब देखा देना होगा। मतलब इतने सालों से ये लोग कर तो रहे थे, बट ऑफन इट वॉज फाउंड कि इनफॉर्मल अग्रीमेंट थे, ओरली बोल दिया होगा कि भाई तू कर लेना और हम तुमको पैसा दे देंगे, बट अब से ये सब फॉर्मलाइज हो रहा है ताकि फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और गवर्नमेंट भी सब चीजों को ट्रैक कर सके, ताकि अल्टीमेटली कहीं पर कुछ टैक्स लेना हो या कुछ टैक्स इवेजन का केस हो तो उनको पता रहे। नाउ सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एडवांस एग्रीमेंट है, तो जनवरी में ही फार्मर और बायर ने साइन किया हो और ऐसा लिखा हो उसमें कि अक्टूबर महीने में आपने, तब तक आप कल्टीवेशन करना और अक्टूबर महीने में मुझे सप्लाई देना, अक्टूबर महीने में आप मुझे पोटेटो देना और उसके मैं आपको 15 रुपीज पर किलोग्राम दूंगा, ऐसा सपोज पेप्सी ने फार्मर के साथ अग्रीमेंट किया। सो एडवांस प्राइस जो जनवरी में तय हुआ, उस वक्त तो भाव क्या चल रहा है, 15 रुपए प्रति किलो। अब किसान पूरे ये इतने सारे महीने तक खेती बाड़ी करे, अल्टीमेटली सपोज अक्टूबर में वो बना देता है क्रॉप, लेकिन उस वक्त अगर सपोज बाजार में उसका प्राइस चल रहा हो 30 रुपीज पर किलो, लेकिन अब तो फार्मर प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि उसने तो साइन कर दिया कि 15 रुपए में सप्लाई करूंगा जबकि बाजार में डबल भाव चल रहा है, तो फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, या फिर कि वो गरीब आदमी, उसको क्या परेशान करना कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो ज्यादा कम में बेचना है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला है ये ऑर्डिनेंस में कि सपोज एट द टाइम ऑफ फाइनल सेल एंड सप्लाई अगर मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है, तो कंपनी ने वो जो नया वाला लेटेस्ट बड़ा प्राइस है वो किसान को देना होगा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, सपोज मार्केट में प्राइस गिर जाए कि उस वक्त सिर्फ 7 रुपए में बिक रहा हो बाजार के अंदर,
तो कंपनी तो फिर ये नहीं सोचेगी कि मैं जाके बाजार में तीसरी जगह से खरीद लूं, नहीं। उस केस में उन्होंने फार्मर को कम से कम ये जो ओरिजिनली अग्रीड प्राइस था 15 रुपए, वो तो देखकर माल लेना होगा, ताकि फार्मर को कुछ इनकम सिक्योरिटी रहे, एश्योरेंस रहे। ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम एक क्रॉपिंग सीजन, मतलब खरीफ रबी इस टाइप की एक, कम से कम एक क्रॉपिंग सीजन का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और मैक्सिमम खींचना हो तो मैक्सिमम 5 साल तक का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और उसके बाद भी रिन्यू कर सकते हैं अगर दोनों पार्टियों की सहमति हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अग्रीमेंट के ये सब आइडियल एलिमेंट कि उसमें साफ साफ ये सब लिखा होना चाहिए। एडिशनली दूसरी क्या चीज होनी चाहिए, कंपनी फार्मर को क्या सप्लाई करेगी, कंपनी कौन सी चीज मुहैया कराएगी कि हम आपको सीड देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, पेस्टिसाइड देंगे, एडवांस में इतनी रकम देंगे, वो सब क्लियरली लिखना चाहिए। और फिर ये अग्रीमेंट के साथ फसल बीमा की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, फार्मर ने कुछ बैंक से लोन लिया हो, या कंपनी ने उसको कुछ एडवांस में पैसा दिया हो, वो सब के जो भी कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इसके साथ जोड़ने होंगे, ताकि बाद में अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाए या कुछ प्रॉब्लम हो तो ये सब का मदद मिले। एक फिल्म आई थी खोसला का घोसला, उसके अंदर ये बोमन ईरानी का कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो बस जमीन हड़प कर लेता है इधर उधर नकली दस्तावेज बना के। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम दिखता है कि सपोज पेप्सी फार्मर के साथ अग्रीमेंट करे कि आपने हमको ये इतने 100 किलो पोटेटो सप्लाई करने, बट उसकी मदद से वो फार्मर का लैंड ग्रैबिंग भी शुरू कर दे, उसकी जमीन हड़पना शुरू कर दे, तो कि तुमने तो ये अग्रीमेंट साइन किया था उसमें ये सब लिखा है, देखो तो तुम्हारी जमीन अब हमारी हो गई, वी ओन एवरीथिंग, लैंड ग्रैबिंग माफिया। नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डिनेंस में स्पष्ट लिखा है कि ये अग्रीमेंट जो साइन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जमीन से पैदा होने वाली प्रोड्यूस को देने के लिए है, जमीन को देने का, या 5 साल के लिए उसको लीज पे दे दी, या फिर या पेप्सी वाला आके उसको बोले तुझे खेती बाड़ी करना ही नहीं आता, मैं अपना एम्प्लॉय भेजता हूँ वो तुम्हारी जगह पर करेगा, ये सब नहीं हो सकता। दे कैन नॉट ग्रैब द लैंड। इधर भी याद करो एपीएमसी ऑर्डिनेंस में हमने पढ़ा कि फार्मर प्रोडक्शन के बाद सेल कर सकता है, एडवांस में अग्रीमेंट नहीं करता था एपीएमसी ऑर्डिनेंस में, वो पैदा करने के बाद माल सामान बेचने जाता था। लेकिन वहां पर भी कि पेमेंट डिले हो गया 1 से 3 दिन में, जो देने की बात थी पेमेंट नहीं मिला, या फार्मर ने मुझे चीट कर दिया, ऐसा कंपनी वाला बोल सकता है कि गेहूं की बोरी में कंकर थे, तो वो अपील के लिए किधर जाते थे, पहली कंप्लेन एसडीएम को और उसके ऊपर कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर को। सिमिलर मैकेनिज्म यहां पर भी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अग्रीमेंट हुआ कि पेप्सी कंपनी ने इसको बोला सीड फर्टिलाइजर देते हैं सामने, तूने हमको ये पैदा करके देना है, बट सपोज फार्मर की कंप्लेन हो कि मेरा पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे ये लोग, या पेप्सी कंपनी की कंप्लेन हो कि इसने क्वालिटी प्रोडक्ट हमको बना के, ये तो सब बिगड़े हुए टमाटर इसने दे दिए। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एक होगा कंसीलिएशन बोर्ड। कंसीलिएशन बोर्ड मतलब सुलह या समाधान करने का बोर्ड। अब उसमें कौन से लोग होंगे, वो समाधान बोर्ड का डॉक्यूमेंट में उन्होंने तय किया होगा कि फार्मर की साइड से 2 आएंगे, कंपनी की साइड से 2, एंड दे विल ट्राई टू सेटल द थिंग्स। अगर ऐसा समाधान नहीं हो पाता तो फिर एसडीएम कुछ कंपलसरी बाइंडिंग ऑर्डर पास करेगा, उस पर भी अपील में जाना है तो ये कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर तक आप पहुंच सकते। अब ऐसा करने पर सपोज पेप्सी का फॉल्ट हो तो उसने पैसा देना होगा, कुछ केस में अगर फार्मर का फॉल्ट हो तो उसने भी पैसा देना होगा, सामने वाली पार्टी का नुकसान भरो। अगर फार्मर का फॉल्ट है तो उस पर भी पेनल्टी लग सकती है, लेकिन पेनल्टी के नाम पर हिज लैंड कैन नॉट बी अटैच्ड फॉर रिकवरी, जुर्माना वसूलने के नाम पर उसकी जमीन जब्त नहीं कर सकते। सपोज पेप्सी ऐसा बोले कि टमाटर या पोटेटो अच्छे नहीं थे और हमें 25,000 का कंपेंसेशन चाहिए, और कलेक्टर बोलता है ग्रांटेड, तो फार्मर वो उसको धीरे धीरे चुका सकता है। ऐसा नहीं कि 25,000 के बदले तुम्हारी जमीन लैंड हमको हमारे नाम लिख दो, ऐसा नहीं, जमीन जब्त नहीं हो सकती। सो अगेन दीज आर द फीचर्स। क्रिटिसिज्म वही चीजें जो हमने एपीएमसी ऑर्डिनेंस में पढ़ी, वही वाले क्रिटिसिज्म इधर चलते हैं। एमएनसी कंपनी एक्सप्लॉइट करेगी प्राइवेटाइजेशन और ये सब, कॉर्पोरेटाइजेशन से ग्राहक का फायदा हो जरूरी नहीं है, डब्ल्यूटीओ की सब हमारे पर तलवार थी, और दूसरी सब कमिटी और दूसरे सब देशों में जितनी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेज है वो हमने अडॉप्ट नहीं करी, बट वो सब बर्गेरियन तंबूरे के 8 तार हमारे लिए काम के नहीं, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। कंक्लूजन, एपीएमसी ऑर्डिनेंस का जो कंक्लूजन पड़ा वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी छाप देना है कि उत्तर सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने राज्यों को बोला कि मॉडल कानून अपनाओ, उन्होंने नहीं किया, एंड अल्टीमेटली कोरोना क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट के ऊपर मजबूरी थी तो उन्होंने फोर्सिबली इसको लागू किया है, और इससे फायदा क्या होगा, वन नेशन बैरियर फ्री ट्रेड,
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कॉम्पिटिशन, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, एसडीजी गोल की बात कर सकते हो, काम हो गया। तो पहला भी खत्म ऑर्डिनेंस, दूसरा ऑर्डिनेंस भी खत्म, क्रिटिसिज्म कंक्लूजन सेकंड ऑर्डिनेंस का भी, वो फर्स्ट ऑर्डिनेंस जैसा ही है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने का एक हद से ज्यादा फायदा नहीं। तीसरा ऑर्डिनेंस है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और उसका ओरिजिनल कानून तो 50s में बना था, उसमें सुधार करने के लिए अध्यादेश, लेकिन वो चीज हम लोग कल रात पढ़ेंगे जब हम लोग फूड इन्फ्लेशन टॉपिक में जाएंगे, तो अभी उसको ये चीज इधर स्लाइड में बाकी है बट उसको कल देखेंगे। प्रेजेंटली वापस हम लोग जूम आउट करके हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं, पिलर 4A सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर। इनपुट सब लैंड वाटर सीड फर्टिलाइजर यूज करके हमने माल पैदा किया, उसको हम लोग सेल करने गए, एपीएमसी मंडी में सेल करने गए तो हम ही एक्सप्लॉइट हो रहे थे, सरकार ने मदद करने के लिए दो ऑर्डिनेंस, एपीएमसी मंडी ऑर्डिनेंस रिफॉर्म के लिए और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए पढ़ लिया। तीसरा भी सरकार ने काम किया कि ऑनलाइन सेलिंग, ये तो अभी हुआ, उससे पहले 2015-16 से कुछ वो काम कर रहे थे कि लेट अस ट्राई टू हेल्प द फार्मर बाय सेलिंग दिस थिंग्स ऑनलाइन। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, ये क्या है वो देखते हैं, और ये अराउंड पेज 403 पर हम लोग पहुंचे, यानी कि 400 से ऊपर हम लोगों ने पेजेस खत्म भी कर दिए और पता भी नहीं चला। और मैं आपको पहले से बोल रहा था ये कब कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा, तो रोज का काम रोज करो हर सुबह उठ के, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज दिस। यस, सो थोड़ा वापस जाते हैं, कोरोना क्राइसिस और उसके बाद दो ऑर्डिनेंस बने वो बात हमने देख ली, बट समय में थोड़ा पहले जाते हैं, अराउंड 2016 क्या चल रहा था। अलग अलग राज्य में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उनकी मंडी होगी, जैसे कि लखनऊ में मंडी होगी, तमिलनाडु में होगी, महाराष्ट्र में होगी, तो केंद्र सरकार ने बोला कि इन सभी मंडियों को हम लोग ऑनलाइन कनेक्ट कर देते हैं ना, ताकि इधर महाराष्ट्र का फार्मर भी उत्तर प्रदेश के किसान से खरीद सके, और उत्तर प्रदेश का फार्मर अगर उसे लगे तमिलनाडु वाला सेलर उसको ज्यादा प्राइस दे रहा है तो उसको बेच सके, ताकि ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मंडी लेवल पर जो सेल हो रहा है उससे बेहतर प्राइस मिल सके। यहाँ पर स्टेप कुछ ऐसा होगा कि फार्मर सबसे पहले अपने अनाज लेकर लोकल एपीएमसी मंडी में जाएगा, वहां पर सरकार इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम ऐसे सेंटर उन्होंने बना के रखे होंगे, तो किसान अपने सब अनाज की बोरियां उसको दिखाएगा, ई नाम सेंटर के अंदर जो स्टाफ बैठा होगा उसको चेक करेगा वजन कितना है, क्वालिटी कितनी है, और फिर उसके प्रोडक्ट का लिस्टिंग करवा देगा ऑनलाइन ई नाम पोर्टल पे कि ये 100 किलो अनाज ये वाली क्वालिटी के और ये उसका प्राइस है, और फिर उसका ऑक्शन करवाया जाएगा, नीलामी होगी। तो नीलामी में सपोज फार्मर ने बोला कम से कम मुझे 1000 रुपए चाहिए, और फिर नीलामी शुरू होती है तो सपोज महाराष्ट्र वाला बोले 1200 रुपए देता हूँ, तमिलनाडु का ट्रेडर बोले 1500 देता हूँ, तो अल्टीमेटली वो फिर ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगा तो फार्मर को बेस्ट प्राइस मिलेगा, ही कैन सेल इट एट द बेस्ट प्राइस थ्रू ऑक्शन सिस्टम, और फिर उसका वो सारा सामान इनाम मंडी से ट्रक में भर के तमिलनाडु पहुंचा दिया जाएगा। सो इन द लॉन्ग रन व्हाट विल हैपन, निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि जो एपीएमसी मंडी का पूरा जो स्ट्रक्चर था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट और हमारी मंडी, उसको डिसमेंटल करके जस्ट वहां पर ई नाम के सेंटर ही होने चाहिए जो ऑनलाइन लिस्टिंग करने के लिए फार्मर की मदद करे। और हमने कल रात पढ़ा था वो नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट, वो भी ऑनलाइन जनरेट होती है, तो वो वाली वेयरहाउस रिसिप्ट भी डायरेक्टली ई नाम पोर्टल से हम लोग बेच सके, ऐसी पूरी सिस्टम वो बना रहे हैं। सो दिस इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, बट कैसा, इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए इसको बोला गया ई नाम। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसका बॉस है, 2016 में लॉन्च किया गया। दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट पैसा देगा, स्टेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट मनी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर 580 से ज्यादा एपीएमसी मंडी है, उन सबको एक वेब पोर्टल से कनेक्ट किया जाए, जिससे कि इंटर स्टेट, मतलब जैसे महाराष्ट्र से तमिलनाडु, एक राज्य से दूसरे राज्य, अंतर राज्य व्यापार हो सके, एंड इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, पुणे से नासिक, नासिक से मुंबई भी व्यापार हो सके। इट रिमूव्स द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री मतलब क्या, सपोज फार्मर को पता ही नहीं कि बाजार के अंदर 1500 रुपए अनाज का भाव चल रहा है, और ये व्यापारी को पता है तो वो तो उसमें खरीदना चाहता है, तो फार्मर अगर उसको पता नहीं और वो किसी को 800 रुपए में बेच दे तो उसका नुकसान हो जाए। लेकिन ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा तो गवर्नमेंट ने पोर्टल पे डैशबोर्ड बना के रखा है जहां पर वो सब दिखाएगा ये चीज का इतना प्राइस चल रहा है,
तो फार्मर भी उस हिसाब से प्राइस मांग सके, बोलिया किस प्रकार से लगती है वो सब समझ सके और उसका कुछ भला हो जाए। ऑब्वियसली ये सब होगा तो द हिंदू को मजा नहीं आएगा, वो क्रिटिसाइज करते हैं और उनका क्रिटिसिज्म यहाँ पर सही भी है। उनका ये क्रिटिसिज्म है कि 2016 में सरकार ने पोर्टल तो लॉन्च किया बट ओनली फॉर नेम सेक, सिर्फ दिखावा करने के लिए, फोटो खींचवाने के लिए, जबकि असल में उसका पहली बार इंटरस्टेट ट्रेड हुआ कब, 2019 में। तब तक तो वो पूरा बैकएंड में जो भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो हुई नहीं थी, और 2019 तक हार्डली 16 स्टेट्स ने अपने सब एपीएमसी मंडी को ऑनलाइन पोर्टल के साथ जोड़ा था। बहुत सारी एपीएमसी मंडी ऐसी है जिन्होंने पोर्टल से जोड़ तो दिया लेकिन वहां पर ईनाम सेंटर है ही नहीं, और सेंटर है तो वहां पर क्वालिटी चेकिंग लैब्स नहीं है, तो किसान आके बोल देगा ये 100 किलो का अनाज है तो वो मंडी का ईनाम सेंटर का स्टाफ बस कंप्यूटर में लिख देगा 100 किलो, बट इन रियलिटी वो सिर्फ 80 किलो का ही हो, तमिलनाडु का फार्म मर्चेंट उसको खरीदे कम उसको मिले तो फिर वो दूसरी बार खरीदता नहीं। सो बायर्स आर हेजिटेंट टू परचेस, और बहुत से छोटे छोटे विलेज डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदरूनी इलाकों में रहने वाले फार्मर, उनके पास तो ट्रैक्टर या टेम्पो ऐसी सुविधा ही नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ईनाम सेंटर तक अपना सामान लेके आ सके। सो एज अ रिजल्ट ये बना तो था बट इसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अगर हम लोग ये ईनाम की वेबसाइट भी देखें तो वो भी काफी एकदम आउटडेटेड ऑर्कुट माइस्पेस के जमाने की दिखती है, जबकि अब तो फेसबुक से भी हम लोग तो आगे बढ़ गए, इतना सोफिस्टिकेटेड सब ऐप डेवलप हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव हमेशा उसमें ये सब खामियां रहती है, ओल्ड टेक्नोलॉजी, स्लो टू अडेप्ट, स्लो टू रिफॉर्म। लेकिन सरकार ने ये जो एपीएमसी ऑर्डिनेंस बनाया उसमें हमने पढ़ा कि कैसे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी ऐसे पोर्टल बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर तो एकदम सोफिस्टिकेटेड अमेजोन टाइप की सब फैसिलिटी होंगी, और गवर्नमेंट ने बोला हम उसको सुपरवाइज करेंगे ताकि फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। सो नाउ वी कैन होप टू हैव बेटर रिजल्ट्स, ऐसा सोचा जाता है। इसके अलावा स्टील मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की सरकारी कंपनियों ने मिलकर एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया, ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी यानी ई रकम। ये पोर्टल में भी ऐसा ऑनलाइन प्रोडक्ट लिस्ट करो और उसको बेचा जाएगा, बट वो 2017 में बना था और ये ऐसी लो प्रोफाइल बॉडी है कि इसको कुछ याद करने का फायदा नहीं। सेपरेटली आप याद करो, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडी है, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, तो उसमें जो कॉफी बोर्ड है उसने भी कॉफी के किसान अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट कर सके इसलिए पोर्टल बनवाया और उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज करी। लेकिन ये भी सब मित्रों क्या बहुत पुअर कॉस्ट बेनिफिट, और ये सब चीजें चल रही थी अराउंड 2017 में, हम पहुंच रहे 2020 में, तो इतना पुराना वो पूछे तो वो जनरल टाइप की चीज पूछते हैं, ऐसा स्पेसिफिक एकदम छोटी छोटी जीके में भी नहीं जाते। सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, अफकोर्स कुछ ऐसे प्राइवेट मॉक क्वेश्चन आपको मिलेंगे बट वो बहुत फायदेमंद नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था एपीएमसी मंडी, भारत के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कुल मिला के 580 से ज्यादा एपीएमसी मंडी है, बट वो क्या होगा, मंडी मतलब मेन सेंटर पे। तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट तो पूरा बड़ा है बट उसमें अहमदाबाद सिटी के अंदर एक मंडी होगी। सो व्हाट विल हैपन, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एकदम दूर के इलाके में रहता है ऐसा फार्मर, अगर उसके पास ट्रैक्टर है तो जिला मुख्यालय की मंडी में जाके बेच सकता है। अब ये गरीब फार्मर है, उसके पास तो ट्रैक्टर टेम्पो कुछ नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल की मंडी पर मैं कैसे जाऊँ, तो ये हर एक आदमी को फायदा नहीं कर सकती। लेकिन उससे भी एक नीचे के स्टेज में होते हैं ग्रामीण हाट। ग्रामीण हाट मतलब एक टाइप का वीकली बाजार, जहां पर बायर्स आते हैं और फार्मर या ट्राइबल्स वो अपना जो भी प्रोड्यूस है उसको लेकर आएंगे और बिक्री होगी। तो ऐसे तो भारत में 22,000 से ज्यादा ग्रामीण हाट हैं। ग्रामीण हाट मतलब लोकल बॉडी, जैसे पंचायती राज बॉडी, कुछ बार स्टेट गवर्नमेंट, कुछ बार कोऑपरेटिव, कुछ बार एपीएमसी मंडी, कुछ बार प्राइवेट सेक्टर, कुछ बार लोकल विलेजर्स ने खुद मिला के बनाया हो, ऐसे 22,000 से ज्यादा ग्रामीण हाट भारत में है। जबकि एपीएमसी मंडी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अराउंड 580 से ही ज्यादा उस संख्या में है। तो बजट 2018 में बोला गया कि ये जो नीचे नीचे तहसील लेवल पर, गांव के लेवल पर जो ग्रामीण हाट है उसको हम लोग पैसा देंगे ताकि वहां पर ऐसे परमानेंट शेल्टर बने। तो क्या है, वहां पर कुछ साइक्लोन आ जाए, बारिश आ जाए तो भी सब ठीक ठीक रहे, और उन सब चीजों को हम लोग ई नाम पोर्टल से लिंक कर देंगे ताकि फार्मर भले डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुंचे बट तहसील तक ये वाली चीज में जाके अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवा दे और फिर वो बेच सकता है।
और उसके लिए फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने नाबार्ड को पैसा दिया ताकि वो नीचे ये सब बनाने के लिए स्टेट्स की मदद करे वगैरह। बट अगेन ऑब्स्क्योर टाइप ऑफ थिंग, तो बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं। सो दैट वॉज एपीएमसी मंडी, ई नाम पोर्टल, दो ऑर्डिनेंस भी हमने बना दी। उससे भी आगे बढ़ते हैं कि भारत के बाहर हम इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें। अब जैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आएगी तो आपको तुरंत लाइट होनी चाहिए, वो काम कौन देखेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, कॉमर्स मिनिस्ट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखेगी। तो उन्होंने 2018 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई। तो प्रीलिम में तो सिर्फ एक वर्ड एसोसिएशन ही याद रखना है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मीन्स व्हाट, कॉमर्स मिनिस्ट्री। फिर उसमें मेंस आंसर राइटिंग करनी हो तो थोड़े सेलियंट फीचर पता होने चाहिए, ताकि सीधा प्रश्न भले आपको ना पूछे कि व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, बट कहीं और भी आपको व्हाट वी कैन डू टू इम्प्रूव अवर करंट अकाउंट डेफिसिट या बैलेंस ऑफ पेमेंट या रूपी को स्टेबिलाइज करना। सो डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट एंड आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आप और लिख सकते हैं, तो वहां पर ये पॉइंट्स कोट कर सकते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने पाया कि 2018 में एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने $30 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, और उनका टारगेट है कि जैसे फार्मर की इनकम डबल करनी है 2022 तक, इस प्रकार से इसको डबल करके 60 बिलियन तक ले जाना है, और उसके कुछ साल बाद $100 बिलियन का हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो, ऐसी कुछ उनकी तमन्ना है। उसके लिए क्या करेंगे? वेल, सम पॉइंट्स वही आप लिखे, तो ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं, इवन फूड प्रोसेसिंग के बारे में कुछ पूछा जाए उधर भी लिख सकते हैं, मेनी प्लेसेस। सबसे पहले तो हमने हमारा एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाई करना होगा। एक्सपोर्ट बास्केट मतलब, पहले सपोज गेहूं चावल ही एक्सपोर्ट करते हो तो अब वो बास्केट में और भी कुछ चीजें एक्सपोर्ट करना भाई शुरू करो, वाइल्ड हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, सुगंधी ऑयल और उसके द्रव्य, जैस्मिन ऑयल वगैरह, वो सब करें, फ्रोजन वेजिटेबल, बिस्किट, कन्फेक्शनरी आइटम्स मतलब केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, प्रोसेस्ड फूड, वो सब हम लोग एक्सपोर्ट करें तो पैसा ज्यादा मिलेगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे। सिर्फ गेहूं चावल करते रहोगे कभी $100 बिलियन एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। We have to diversify our destinations. पार्ले जी बिस्किट या मेलोडी चॉकलेट स्विट्जरलैंड में बेचेंगे शायद वो नहीं खरीदेंगे, बट वो चीज अगर युगांडा, नाइजीरिया, केनिया, तो वो तो उनके लिए स्विट्जरलैंड से आया माल ही है। तो हमने इस तरह से ये सब एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सप्लोर करना होगा, ज्यादा मार्केटिंग, ट्रेड फेयर, एडवर्टाइजमेंट, वो सब करना चाहिए। हम लोग ज्यादातर रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे रॉ कैश्यू, कच्चे काजू। तो कच्चे काजू सपोज वो बिक रहे हो लेट अस से 100 रुपीज, लेकिन उसकी जगह आप काजू एप्पल का जैम बना दो, रोस्टेड कैश्यूज, बुने हुए उस पर सॉल्टेड कैश्यूज, तो हो सकता है उसको 180 रुपीज में बेच सकते हैं। तो ज्यादा हमको एक्सपोर्ट में अर्निंग हो सकती, तो कच्चे माल की अपेक्षा मूल्यवर्धित वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेचे तो हमको ज्यादा इनकम होगी। आपको मैंने आगे भी पढ़ाया था कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी अग्रीमेंट है जिसमें ये लिखा है कि हेल्थ हाइजीन के लिए अलग अलग देश नॉर्म्स बना सकते हैं। तो भारत से हम लोग जो भी चीज एक्सपोर्ट करें, चाहे मैंगो एक्सपोर्ट करो या फिश एक्सपोर्ट करो, कोई ना कोई चीज यूएसए, यूरोपियन यूनियन वाले बैन कर देते, इसमें तो बहुत ज्यादा इंसेक्ट है, इसमें तो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल है। तो वो सारे बैन लिफ्ट करने में बिजनेसमैन को आंख में पानी आ जाता है, लीगल हेल्प रिक्वायर्ड, उनके इंस्पेक्टर भारत में चेकिंग करेंगे वगैरह। तो भारत सरकार की अलग अलग संस्थाएं जैसे APEDA, जिसका हम परिचय ले चुके हैं, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री में बैठता है। फिर हम लोग पिलर 4B में पढ़ेंगे, फसाई फूड सेफ्टी के लिए संस्था बनी। तो ऐसी अलग अलग बॉडीज, उनको पैसा दिया जाएगा ताकि वो भारत के सब एक्सपोर्टर्स को ट्रेनिंग दे सके, ताकि हमारा कोई प्रोडक्ट यूएसए, यूरोपियन यूनियन में बैन ना हो। भारत के अंदर से ये सरसों का साग, मखना, आगरे का पैठा, हैदराबादी बिरयानी, ये सब बहुत फेमस है। तो इसको कैन में भर के, टीन में भर के बेचा जाए और उसमें ऐसे सब केमिकल डाले जाए ताकि लंबे समय तक वो बिगड़े नहीं, और ऐसे इंडियन एथनिक प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करे ताकि विदेशी लोग भी उसको बड़े चाव से खरीदे, ऐसा सब मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग करने की भी जरूरत है। तो ये सब मीन्स के पॉइंट है, प्रीलिम में उपयोगिता कम है। आप जानते हैं विदेशी लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते, तो ऑर्गेनिक फूड ऐसा कुछ बोला तो पागल हो जाते हैं। उनको बोला जाए ये तो ग्लूटन फ्री फूड है, फाइबर रिच प्रोडक्ट है, सो अगेन दे विल गो क्रेजी एंड दे विल बाय इट एट अ वेरी हाई प्राइस। वो $1 की चीज $2 में खरीदना शुरू कर दे। तो हमने ऐसा भी रिसर्च डेवलपमेंट मार्केटिंग करवाने की जरूरत है।
और ये सब चीजों के अंदर चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, पैकेजिंग हो, एयर कार्गो, वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट FDI इस सब को भी एनकरेज किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता, वो सब फैक्ट्री इंस्पेक्टर और कस्टम इंस्पेक्टर आके पूरा दिन परेशान करे ये माहौल नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो एनकरेज एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग स्टार्टअप कंपनियों को मदद करे, ये सब करेंगे तो अल्टीमेटली $100 बिलियन का टारगेट हासिल कर सकते। सो दैट इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। उसके बाद का टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड एसोसिएटेड थिंग्स, वो भी पढ़ते हैं। हम लोग अराउंड पेज 405 तक पहुंचे हैं, तो 405 के नाम पर एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
Alright, so the next topic is minimum support prices. PM आशा, PM किसान. अब तक जो चीजें थी कुछ ऐसी थी कि फार्मर कोई चीज पैदा करे, एपीएमसी मंडी में बेचे, ऑनलाइन जाके बेचे, या उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए. लेकिन अब जो मुद्दे हैं वो ऐसे हैं कि भारत सरकार किसान से सीधा खुद ही माल खरीद ले. सरकार ने किसान से माल खरीद लेना चाहिए या तो सीधा ही उसको पैसा दे देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान योजना, जहां पर फार्मर को 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाएंगे. तो ये क्या मुद्दे हैं? नाबार्ड ने, नाबार्ड संस्था का परिचय हम लोग आगे देख चुके हैं, वो एक प्रकार का आईफाई इंस्टीट्यूशन. तो उसने पाया कि भारत के अंदर देर आर 21 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स. शब्दों पर गौर करिए, हाउसहोल्ड आबादी नहीं, आबादी के हिसाब से तो 130 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो जाएंगे. ये कि एक हाउसहोल्ड उसमें हो सकता है 5 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं. खैर, तो रूरल एरिया में कुल मिलाकर 21 करोड़ घर परिवार हैं. आउट ऑफ दोज 21 करोड़, 11 करोड़ आर एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर वर्क एंड 10 करोड़ फैमिलीज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर वर्क. तो ये जो 10 करोड़ परिवार खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनको पूछा गया कि आप कितना पैसा कमा लेते हो. तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक महीने में कुल मिलाकर लेस देन 9,000 रुपीज, 8,900 रुपीज कमाते हैं. और उसके अंदर भी प्योर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से तो हमको सिर्फ 3,100 रुपए ही मिलते हैं हर महीने. बाकी की जो रकम है अराउंड 5,800, वो दूसरी सब चीजें, जैसे मतलब मवेशी का जो पशुपालन, डेयरी, लाइफ स्टॉक, वेज लेबरर्स, वो कहीं मजदूरी करने जाते होंगे घर के 2-4 लोग, मनरेगा स्कीम, सरकार की ऐसी योजना जहां गरीब आदमी जाके तालाब खोदेगा और वो सब में उसको काम मिलेगा. तो यानी कि इवन फॉर दोज हु आर डूइंग एग्रीकल्चर, उनके लिए भी ये कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा के मौज में हो. इसलिए सब फार्मर्स को इनकम सपोर्ट देना बहुत जरूरी है. इकोनॉमिक सर्वे 2018 ने सब एनालिसिस करके पाया कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ड्रॉट मतलब अकाल की परिस्थिति, बारिश कम होना, और हमने कैसे जो आगे पढ़ा था, अल नीनो के चलते भारत का एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव में चला गया था अराउंड 2015-16, तो स्वाभाविक है फार्मर की इनकम भी कम होगी. अब अगर बारिश कम हो रही है लेकिन जिनके पास इरिगेटेड फार्म है, सिंचाई की कुछ व्यवस्था, कुआं खोदा होगा, बोरवेल होगा, उन लोगों की भी इनकम तो कम ही हो जाएगी, बट वो कितनी कम होगी, अराउंड 18% पहले से कम होगी. और जिनके पास अनइरिगेटेड फार्म है, बिना सिंचाई का, जो कि सिर्फ और सिर्फ बारिश पर किसान खेती कर रहा है, तो उसकी इनकम सपोज लास्ट ईयर 100 रुपये हो, तो इस साल उसमें 25 कम हो जाएगी, तो वो 75 ही कमा पाएगा. यानी कि फार्मर की इनकम डबल करना तो एक बाजू रहा, डबल करना एक बाजू रहा, ये तो उल्टा गिर रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो मोदी गवर्नमेंट का टारगेट कि हम फार्मर की इनकम डबल करें, उसके लिए याद करो, एक तो हर साल 10% एनुअल ग्रोथ इज रिक्वायर्ड, और हम तो 5% भी ग्रोथ हासिल करने में वी आर स्ट्रगलिंग, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मनी. वो सीधा अपने दम पर अगर दुगनी आय नहीं कर सकता तो सरकार उसको पैसा देना शुरू करे. वो पैसा अलग अलग कैसे मिल सकता है उसको? यूरिया, इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पर सरकार उसे सीधा सामान खरीद ले, या फिर सामान भी नहीं खरीदे, सीधा ही भाई तू फार्मर है, हम तुझको 6,000 रुपये हर साल देते हैं, मिनिमम इनकम सपोर्ट, पीएम किसान योजना. तो ये सब करना जरूरी बनता है इफ यू वांट टू अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम. तो एक एक करके ये सब चीजें, खैर सब्सिडी में यूरिया सब्सिडी देख ली, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा हम लोग फिफ्थ पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे, अभी यहां पर तो अपना मुद्दा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फार्मर अगर मंडी में जाएगा, एपीएमसी मंडी में जाएगा, तो उसको बेस्ट प्राइस मिलेगा, ये तो भाई सपने में ही हो सकता है. सपोज वो टोमेटो लेके जाए जिसका उसको 20 रुपीज मिलना चाहिए, वो वहां पर उसको लोग हार्डली 5 रुपए देंगे बिकॉज ऑफ द कार्टेलाइजेशन और प्राइस फिक्सिंग बाय द मंडी मर्चेंट्स. ये एक प्रॉब्लम. दूसरा प्रॉब्लम, कई बार अच्छी बारिश होती है तो बम्पर प्रोडक्शन होता है, तो सप्लाई बढ़ जाएगा, और जो चीज का सप्लाई बढ़ जाए तो मार्केट में उसके प्राइस गिर जाएंगे, तो वो भी एक कारण रहता है, कई बार 5 रुपए भी नहीं, सिर्फ 2 रुपए उसको मिलेंगे.
तो ऐसी परिस्थिति में किसान को रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट क्रॉप सोइंग सीजन, मतलब वो बीज डाल के बीजारोपण करके जमीन में खेती बाड़ी शुरू करे, उससे पहले ही गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य अनाउंस करती। सपोज वो सरकार पहले से बोल दे कि हम आपसे अनाज खरीद लेंगे 1800 रुपए में, अगर बाजार में कोई 1800 रुपए आपको नहीं दे रहा। सो सपोज द सीन इज लाइक दिस कि ये किसान 100 किलो अनाज लेके जा रहा है, लेकिन एपीएमसी मंडी में सब व्यापारियों ने कार्टेल बना दिया है कि इसको 800 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। तो वो ट्रेडर वन के पास जाए वो भी बोलेगा 800, ट्रेडर टू भी बोलेगा 800, ट्रेडर थ्री भी बोलेगा 800। तो फार्मर का यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन होता है, निजी व्यापारी सही दाम नहीं दे रहा। तो कोई परवाह नहीं, सरकार की एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जिसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI, उसने बोला है कि हम लोग फार्मर से 1800 रुपीज पर क्विंटल के दाम पर ये अनाज खरीद लेंगे, और ये एक प्रकार का ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होगा। यानी सपोज एक फार्मर 100 किलो लेके आएगा तो खरीदेंगे, हाँ वो 200 किलो लेके आएगा तो भी खरीदेंगे, 2000 किलो लेके आएगा तो भी खरीदेंगे, जितना आपके पास है जब सब लेके आओ। इसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं है कि एक फार्मर से 10 किलो ही खरीदेंगे, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस होते हैं वो किन किन चीजों के लिए, 14 टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ मतलब वो समर मानसून सीजन में उगाए जाते हैं, तो उसमें पैडी मतलब राइस, जुवार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब, तो मतलब सीरियल ग्रेन्स, पल्सीज, ऑयल सीड, ये सब चल रहा है। फिर 6 रबी क्रॉप, रबी मतलब विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, वीट, बाली, वो सब चीजें। एंड देन 3 कमर्शियल क्रॉप्स, कमर्शियल या कैश क्रॉप में आएगा जूट, कोपरा यानी कोकोनट, एंड शुगर केन मतलब गन्ना। वैसे शुगर केन के अंदर मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट है, वहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइजिस, FRP, फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइजिस। वो कैसे काम करते हैं वो भी आगे इन्फ्लेशन लेक्चर में पढ़ते हैं। तो ये कुल मिला के 14 + 6 = 20 + 3 कितने हुए 23। उसमें शुगर केन की सिस्टम थोड़ी अलग, फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइजिस, प्लस 22 जो बाकी के क्रॉप है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कुल मिलाकर 23 क्रॉप्स के लिए है। तो पैटर्न यहाँ पर क्या बन रहा है, सीरियल ग्रेन्स है यस, मतलब जुआर, बाजरा, वीट वगैरह, पल्सिस दाल है, हाँ अड़हड़, मूंग दाल, उड़द दाल, ये सब है, ऑयल सीड है, हाँ सोयाबीन एंड सनफ्लावर एंड सीसेम एंड नाइजर सीड, ये सब है, तेल के जो बीज होते हैं, एंड कैश क्रॉप यस जूट, कोपरा, शुगर केन। इधर से 2018 में UPSC ने एक प्रश्न पूछा, प्रश्न ये था 1 अरिका नट, 2 बार्ली, 3 कॉफी, 4 फिंगर मिलेट, 5 ग्राउंड नट, 6 शीशम यानी तिलहन, 7 टर्मरिक हल्दी, 1 अरिका नट मतलब सुपारी, बार्ली वो गेहूं या जुआर या बाजरा, कॉफी आप समझते हैं, मिलेट वो भी ऐसा जुआर बाजरा कुछ, ग्राउंड नट वो मूंगफली। तो ये सब चीजें, इनमें से गवर्नमेंट कौन सी चीज पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है, 1, 2, 3 and 7, 2, 4, 5 and 6, 1, 3, 4, 5, 6 या ये सभी सातों के साथ, और आपका टाइमर शुरू होता है। अब प्रियंक, रजनीश, रवि, रजत, रवि, जतिन, नीतीश, शुभम, आशीष, पंकज, ऋषव, सागर, सौम्यदीप, सुजीत, अभिज्ञान, रोहित, ऋषिकेश, अनुष्का, ममता, हर्षवर्धन, बजाज, देन देवाशीष, निकुंज, तेजेश्वर सिंह, नितिन, गौरव, जिगर, राजदीप, सुभद्रा,
दीपक, सिमरन, महक, ध्रुविका, कन्हैया, नितिशा, उज्जवल, शुभम, आसफा, कीर्ति, पंकज, प्रतीक, ये सब लोग। फिर जबीन, रॉकी, जीवीजी, वीरेंद्र, अभिज्ञान, अमूल्या, विकी, संतोष, शिवांगी, आशु एंड अदर 6 out of 6 करेक्ट। हाँ, तो इनमें से कौन सी चीज पर सरकार एमएसपी जाहिर करती है? पहला देखो, अरिका नट यानी सुपारी। तो तंबाकू सुपारी ये कोई ऐसी चीज है सरकार उसको करेगी, खरीदेगी खुद से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे? ये कुछ जमता नहीं, क्योंकि ये तो सब डीमेरिट हार्मफुल गुड्स, कैंसर होता है खाने से, तो सरकार उसके लिए क्यों अनाउंस करेगी? तो वन इज रॉन्ग। तो जहां पर भी वन दिखे उसको उड़ा दो, बाकी सब दिमाग नहीं भी लगाओ तो भी जवाब क्या आता है अल्टीमेटली? बी, दैट इज 2, 4, 5 and 6। या दूसरे भी तरीके से, सपोज कॉफी, तो हमने पढ़ा यहाँ पर वो पैटर्न क्या था, सीरियल ग्रेन्स, पल्सिस, ऑयल सीड एंड कैच क्रॉप। तो चाय और कॉफी का तो नाम बेवरेजेस क्रॉप्स, ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं, तो कॉफी भी जमती नहीं। तो तीन जगह पर, तीन जहां पर भी दिखे उड़ा दो, तो इवन थ्री के लॉजिक से भी ए, सी और डी चला जाएगा। तो जो बचता है वो जवाब क्या है? बी ऑप्शन। हाँ, तो ये कुल मिलाकर 23 चीजें हैं, इस पर कौन कॉम्प्यूटेशन करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे देयर इज वन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस यानी CACP। वो लोग सब कैलकुलेशन करेंगे किसान को कितना खर्च आता है, उस पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए, और वो रेकमेंडेशन करेंगे, मतलब सिफारिश करेंगे। किसको वो सिफारिश करेंगे? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA को, और फिर CCEA उसको मंजूर करेगी और फिर नोटिफाई करेगी, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको खरीदेगा। सो दैट इज द वे MSP वर्क्स। ये कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का परिचय हम लोग पहले भी ले चुके हैं, वो याद करो, 5,000 करोड़ से ज्यादा का FDI अप्रूवल होगा और उसमें सरकार की अनुमति चाहिए, तो कौन देगा? CCEA। और ये दूसरा भी काम करता है अभी जो पढ़ा, क्या? MSP। तो MCQ में फंक्शंस अलग अलग चीजों के हमको पता होने चाहिए। अब प्रश्न, सपोज ये लोग बोल दे कि 1800 रुपये प्रति क्विंटल वीट को हम लोग प्रोक्योर करेंगे, तो ये 1800 रुपये उनके दिमाग में आया कैसे नंबर? कुछ साइंटिफिक मेथड है? द आंसर इज यस। उनकी एक फॉर्मूला है, उसके अंदर वो पहले एक डेटा डालेंगे जिसको बोला जाता है A2। A2 का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट, वास्तविक खर्च जो किसान को होता है जब वो कुछ भी पैदावार शुरू करता है। वास्तविक खर्च क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट? सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हायर लेबर, बाहर से खेत के मजदूर वो लेके आए और उनको जो भी 100-150 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दे। देन डेप्रिसिएशन ऑन द फार्म बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये ट्रैक्टर या कुछ हार्वेस्टिंग मशीन है तो उसका घिसा और मरम्मत के लिए उसको जो खर्चा होता है। फिर लोन कैपिटल, उसने बैंकों से लोन लिया है उस पर उसने जो 4% के आसपास ब्याज देना है। डीजल का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ट्रैक्टर, पंप सेट सब चलाना है, तो उसमें उसको वास्तव में जो खर्च हुआ वो एक्चुअल कॉस्ट करके ये वाली जगह पर आप लिख देंगे, प्लस 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 ऐड करो। सेकंड इज कॉल्ड FL। FL मतलब इट इज द इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, ये समझते हैं। सपोज ये फार्म लेबरर है जो कि डेली 150 रुपीज पर डे के हिसाब से आपके खेत में काम करने के लिए आता है और ये अपना फार्मर है, तो वो बाहर वाले आदमी कोई तो यूज करेगा, तो 150 रुपीज आप इधर लिख देंगे कहां पर, A2 में। बट साथ ही साथ ये फार्मर अपने ही बच्चों से, अपनी ही बीवी से, अपने ही बेटे से भी काम करवाएगा, तो घर के 3 लाख भी वहां पर काम कर रहे होंगे बट उनको तो वो सैलरी नहीं देगा, तो ये 150 रुपीज इनके टाइम्स 3, तो कितना, 450, तो वो सब किधर जाएगा? वो असल में उसने पे नहीं किया बट वो माना जाएगा कि इतना भी उसको खर्च है। अगर घर के सदस्य मुफ्त में काम करने आएंगे तो उसकी जगह अगर हम लोग मजदूर रखते तो कितना खर्च होता, वो काल्पनिक खर्च यहां पर इम्प्यूटेड कॉस्ट डाल देना है, तो वो हो गया FL। तो A2 और FL ये सब डेटा ऐड करके सपोज खर्चा हमको दिखे कि 100 रुपये किसान की लागत मूल्य है, उसको इतना खर्च इनपुट कॉस्ट आ रहा है और हम लोग चाहते हैं कि उस पर उसको प्रॉफिट मिले 50%, तो 50% प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए, 100 रुपये पर उसको 50 रुपये मिलने चाहिए, यानी कि बेचना किस प्राइस पे चाहिए, 150 पे। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं,
कि आपका इनपुट जो भी है A2 प्लस FL उसको मल्टीप्लाई करो 1.5 टाइम्स से, तो जवाब क्या आएगा 100 मल्टीप्लाइड विथ 1.5 टाइम्स, तो जवाब क्या आएगा 150। हाँ तो 150 पे फार्मर सेल करेगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया परचेज करेगा, तो हो गया अपना जवाब कि उसको 50% प्रॉफिट हो गया, यानी किसान मौज में यस 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 ये तो कमाल हो गया। बात तो वही हो रही है कि 50 रुपये प्रॉफिट, बट वो जरा सोफिस्टिकेटेड लिखने के लिए मीडिया में बोलने के लिए कि हम किसान को उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट का 1.5 टाइम्स पैसा देंगे, डेढ़ गुना ज्यादा पैसा दिया जाएगा, मतलब बात क्या, उसको 50% प्रॉफिट करवाएंगे। तो CACP की ये कॉम्पिटिशन मेथड A2 प्लस FL ये दोनों को आप ऐड करिए और उसके बाहर एक ब्रैकेट बना दो, और ये जो रकम आए उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करो, तो जो आपको जवाब मिले उसको हम बोलेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उस प्राइस पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपसे सामान खरीदेगी। तो ये 50% प्रॉफिट होना चाहिए ऐसा सपना किधर से आ गया? वो सपना 2006 में एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन का ये कमीशन बना था, उन्होंने सजेस्ट किया था कि 50% प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए, और वो तो हमने करवा दिया। चलिए कि A2 प्लस FL और उसको मल्टीप्लाई विथ 1.5, तो जो जवाब मिले दैट इज MSP, दैट इज 50% प्रॉफिट। ये अपनी फार्मूला, अभी ऑफिशियल फार्मूला है। स्वामीनाथन साहब की फार्मूला थोड़ी अलग थी, उन्होंने इसके अंदर एक और भी चीज डाली थी, C2। C2 के अंदर वो असल में बात ये करते थे कि फार्मर खुद से सपोज एग्रीकल्चर का काम नहीं करता और अपनी जमीन किसी और को रेंट पे किराए पर दे के चला जाता, तो काल्पनिक रूप से उसको कितना पैसा मिलता, सपोज काल्पनिक रूप से उसको 1500 रुपये मिलते, तो बोला कि वो भी ऐड करो। सेकंड, किसान ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, सीड फर्टिलाइजर खरीद रहा है, तो उसने उसमें 1000 रुपये खुद के इन्वेस्ट किए बराबर, तो वो तो हमने A2 रुपये में कंप्यूट किया एक्चुअल कॉस्ट में, बट सपोज काल्पनिक रूप से हाइपोथेटिकली सपोज उसने वो सब चीज खरीदने की जगह अपनी सेविंग का पैसा, सपोज ये फार्मर कैप्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट SBI में डाल के आता, तो उसको इस पर भी हो सकता था 6% इंटरेस्ट मिलता, तो वो भी काल्पनिक ब्याज जो उसको नहीं मिला वो मिल सकता था करके तुम डालो। ऐसा प्लस प्लस करके C2 फार्मूला में बहुत सारी काल्पनिक चीजें डाली थी। अगर गवर्नमेंट C2 फार्मूला यूज करती तो ये तो इतना तो काल्पनिक, तो सपोज मैं ऐसा बोलूं कि फार्मर 100 रुपये की सीड नहीं खरीद के लॉटरी की टिकट खरीदता और उसको 1 करोड़ रुपये मिल जाता, तो वो भी ऐड करो, करते करते भाई सरकार की फीजल डेफिसिट कितनी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि MSP बढ़ाना पड़ेगा। तो 1800 रुपये तो ठीक है, चलिए रीजनेबल पर क्विंटल, बट उसका फिर 2500 रुपये हो जाए तो सरकार को जमेगा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये C2 फार्मूला नहीं यूज करी, उन्होंने बोला A2 प्लस FL इतना ही अपने को जमता है, टाइम्स 1.5 दैट इज सफिशियंट। तो ये प्रोक्योरमेंट मतलब असल में करता कौन है, इसके लिए सेंट्रल एजेंसीज जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे का एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निगम है, जस्ट लाइक LIC, ये क्या है, ये भी कानून से बनाई गई एक चीज है, बट ये कॉमर्शियल काम करती है, तो इसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। उसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के खुद के भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया NAFED, फिर एक स्मॉल फार्मर्स कंसोर्शियम वगैरह वगैरह। कलेक्टिवली ये लोग जो अनाज खरीदते हैं किसान से, इस योजना का नाम क्या है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम, यानी MIS-PSS। बॉस इसका कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और ये फंडिंग का पैसा कौन देता है, 100% पेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट मनी। तो फार्मर से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाला खरीद रहा है, सपोज 1800 रुपीज पर क्विंटल में वीट खरीद रहा है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कितने में उसको अनाज पड़ रहा है, व्हाट इज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन फॉर FCI। पहला तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उसने फार्मर को पे किया, कितना, 1800। अब कुछ बार ये होता है कि MSP के ऊपर भी यूनियन गवर्नमेंट बोलेगी कि एडिशनल प्लस 50 रुपीज हम लोग बोनस पे करेंगे। वो यूजुअली क्या कि सपोज
पांच साल है, तो पहला साल 1800, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, अभी पांचवें साल पे सपोज इलेक्शन आ रहे हैं, तो किसान को खुश करने के लिए सरकार क्या बोलेगी कि एमएसपी पे बोनस पे किया जाएगा, तो ऐसा कुछ और बोनस भी पे करना हो तो वो कौन पे करेगा, अल्टीमेटली एफसीआई वाले के ऊपर वो नंबर एड हो जाएगा। प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स, इंसिडेंटल्स मतलब जो मिसेलेनियस खर्चे आते हैं, असल में आप काम शुरू करें तो इंसिडेंटल्स में जैसे कि ट्रक ड्राइवर को सैलरी देनी है, जो लोडर मतलब अनाज भर देंगे मजदूर हैं उसको सैलरी देनी है, डीजल का खर्चा, गोडाउन में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सब प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल। तो सपोज 370 रुपी उसका खर्चा आ रहा है। देन लास्टली द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एफसीआई ने जो अनाज लिया है फार्मर से उसका वो क्या करेगा, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस शॉप यानी राशन की दुकानों पर उसका वितरण करवाएगा। फिर हम लोग आगे सिक्स पिलर में पढ़ेंगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के रूप में वो 2 रुपए 3 रुपए में अनाज बेचेगा, मिड डे मील स्कूल्स को वो गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए भेजेगा। तो वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जब एफसीआई, तो वापस से ट्रक और सब डीजल और ये वो खर्चे सपोज और 400 रुपए, तो फार्मर को कितना मिला, 1800। और अगर इलेक्शन सीजन है और नसीब से और 50 रुपए मिल गए तो बधाई हो, बट एफसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो उसको ये चीज 1800 रुपए में नहीं पड़ी, उसको तो 1800 रुपए प्लस 50 प्लस 370 प्लस 400 करके 2000 से ऊपर का खर्चा आ गया, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन। अब इसमें से 2019 प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस, जो बोनस क्या हमने देखा, पे टू द फार्मर, प्लस उसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन्स, या फिर की प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इन सब के अंदर से क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला सी। ये चीज किधर दी है, इकोनॉमिक सर्वे में, बट ये क्या है, एकदम लो प्रोफाइल टाइप ऑफ थिंग, इसका कोई पहले प्रश्न इतना बारीकी से पूछा जाए ऐसा ट्रेंड नहीं था। अब इसको एक को देख के आहा इकोनॉमिक सर्वे अपना भगवान है और हर एक छोटी छोटी डेफिनेशन फॉर्मूला करने को बैठे, तो कर तो सकते हैं बट ऐसे और 15 घंटे की पढ़ाई करो क्या निकल के आए, बहुत फायदा नहीं। जब कट ऑफ है 98 out of 200 तो हर जगह लेफ्ट राइट करनी नहीं चाहिए, कुछ दिमाग लगे। अब जैसे यहाँ पर की मात्र ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मात्र इंसिडेंटल कॉस्ट, वो शायद नहीं होगा, उसमें बड़ी वाली कुछ चीज होनी चाहिए, तो सी या डी में से कुछ भी 50-50 करो एंड लाइक दैट यू मूव ऑन। ये एमएसपी अनाउंस करने का फायदा क्या है, फार्मर को अब पता चल गया कि मुझे सरकार 1800 रुपीज पर क्विंटल में खरीदने वाली है, तो सामने फिर एपीएमसी मंडी का व्यापारी बोले 800 रुपए, तो फार्मर डिस्ट्रेस सेल डर में आके कि आहा मुझे तो यही बेच देना चाहिए, ऐसा डिस्ट्रेस सेल वो करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं एफसीआई में जा सकता हूं। और गवर्नमेंट सोइंग सीजन मतलब वो बीजा रोपण करे, जमीन में बीज डाले उससे पहले अनाउंस करती है कि सपोज वीट का 1800 है, शुगर केन का सपोज 2000 है, बार्ली का 700 है, तो फार्मर को पता चल जाए कि मुझको कौन सी फसल लगानी चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि शुगर केन 2000 रुपये मिलेगा तो वो शुगर केन ही लगाएगा, उसके पास फर्टिलाइजर की क्या फैसिलिटी है, इरीगेशन की क्या फैसिलिटी है, क्लाइमेट टेम्परेचर, उस हिसाब से वो बेस्ट निर्णय ले सके। तो ये एडवांस इंफॉर्मेशन से फार्मर को पता चलता है कि मुझे कौन सी फसल लगानी चाहिए। अगर सरकार ने बोल दिया हो कि 1800 रुपीज वीट का प्राइस रहेगा तो ये एक प्रकार का प्राइस सिग्नल भेजता है, तो जितने एपीएमसी मंडी के व्यापारी हैं उनको भी पता है कि सपोज अब हम लोग 800 रुपए ही ऑफर करेंगे तो कोई फार्मर आएगा नहीं, तो फिर वो शायद कर सकते बोल सकते कि हम 1500 ऑफर करेंगे। हाइपोथेटिकली तो ये होना चाहिए कि उन लोगों ने भी 1800 या फिर कि 2000 ऑफर करने चाहिए, बट रियल लाइफ में क्या है कि उनको भी पता है कि हर फार्मर ट्रैक्टर लेके किधर घूमता फिरेगा एफसीआई के गोडाउन तक, तो थोड़ा कम भी देंगे तो वो बेच देगा। बट द पॉइंट इज एकदम कम 800 रुपए देगा इतनी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। सो एमएसपी सेंड्स अ प्राइस सिग्नल टू द मार्केट, सो ट्रेडर विल नॉट कीप देयर प्राइसेस वेरी लो कंपेयर टू एमएसपी। सो दीज आर द बेनिफिट्स। और इसमें भी आत्मनिर्भर भारत में तो बोला सरकार ने कि ये एमएसपी हम लोग और इसको बढ़ाएंगे ताकि फार्मर के हाथ में और पैसा आए, ताकि कोरोना क्राइसिस के बाद इकोनॉमी रिवाइव हो सके वगैरह। ये सब तो चल ही रहा था,
और आप जानते हैं यूजुअली सीन क्या होता है, कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़े फिर हमको पता चलता है कि द हिंदू को उसमें मजा नहीं आएगा और वो क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन ये एफसीआई एक ऐसा यूनिक टॉपिक है कि द हिंदू तो एक बाजू रहा, इकोनॉमिक सर्वे ने खुद ही बोल दिया कि हमको मजा नहीं आएगा। वो ये कह रहे हैं कि एफसीआई प्रोक्योरमेंट से फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। तो ये मुद्दा क्या है ये भी समझते हैं। इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 चैप्टर 4 उसमें ये था अंडरमाइनिंग द मार्केट व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर्ट्स मोर देन इट हेल्प्स। सरकार अगर कुछ कदम उठाए उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा है, ऐसा सीन अगर देखना हो तो वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। सो व्हाट इज दिस मैटर। 1964-65 में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, उसके नीचे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है, मतलब इसका अलग से कानून है उससे ये बनाई गई है। बेसिकली इसके 3 काम है। पहला, किसानों से अनाज खरीदना MSP प्राइस पर। दूसरा काम, गरीबों को वो अनाज वितरण में देना, बांटना। और तीसरा, थोड़ा बफर स्टॉक बनाए रखना ताकि युद्ध हो जाए, अकाल पड़ जाए तो पूरा स्टॉक खाली नहीं हो जाए, थोड़ा बफर में रखना है। सो देयर वर्क इन्वॉल्व्स फर्स्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट MSP, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन टू कस्टमर्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS, थर्ड फंक्शन इज मेंटेन बफर स्टॉक ताकि क्रॉप फेलियर, नेचुरल डिजास्टर, फेस्टिवल, वॉर, फेमाइन ये सब परिस्थिति में भी फूड सिक्योरिटी और प्राइस स्टेबिलिटी, बाजार में भाव स्थिर रह सके, खाद्य सुरक्षा रहे, वो इनका काम है। प्रॉब्लम तब आती है कि वोट बैंक के लिए, किसानों को खुश करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो कि BJP सरकार हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो हर साल बढ़ाते रहते हैं। तो पहले सपोज 1500 रुपए पर क्विंटल, फिर करेंगे 1600, फिर करते करते 1800 रुपीस पर क्विंटल। तो सरकार तो बढ़ा सकती है क्योंकि सरकार ने तो पैसा किधर से लाए, टैक्स का पैसा या फिजल डेफिसिट करके पैसा लाएंगे। लेकिन उसकी देखा देखी में प्राइवेट सेक्टर की ये APMC मंडी का मर्चेंट, वो बेचारा कितना प्राइस मैच करे। अगर सरकार बोल रही है 1800 देंगे तो हो सकता है 1200 तक पहुंचे, बट असल में फिर बाजार में भी सप्लाई डिमांड और अपना खुद का प्रॉफिट मार्जिन और ये सब गिनते हुए कुछ तो रहना चाहिए कि नहीं उसके पास। सो आई कैन ट्राई टू इंक्रीज माई प्राइसिस बट 1800 MSP बहुत ज्यादा है, इतना मैच नहीं कर सकते, ये बाजार के फंडामेंटल को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। और सरकार तो ये करेगी क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है, बट मंडी का मर्चेंट ये कर नहीं पाएगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, जो फार्मर है वो मर्चेंट के पास जाएगा भी नहीं, वो जाएगा मैं FCI में देता हूँ। तो ये क्या अच्छी बात है? ये अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि वोट बैंक के लिए MSP बढ़ाते जाएं, फार्मर को ट्रेडर इतना प्राइस दे नहीं पाएगा तो फार्मर सारा माल FCI को बेचेंगे, बट FCI के पास गोडाउन में इतनी जगह भी नहीं है कि वो सब स्टोर कर सके। तो प्रॉब्लम नंबर 1 इज फार्मर मंडी के ट्रेडर को बेचता नहीं, तो मंडी का ट्रेडर की मैं खुद का गोडाउन या ट्रक या वेयरहाउस या कुछ क्यों बनाऊं जब कि मुझे पता है ये लोग मुझको बेचेंगे नहीं। उसके सामने FCI के पास जो गोडाउन है उसके पास जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अनाज उनके पास आ जाता है क्योंकि सभी किसान अच्छा प्राइस मिल रहा है करके इसको बेचो, और ये देखो बारिश आई और ये पूरा सड़ गल गया है। परिस्थिति ऐसी है कि बफर स्टॉक से भी ज्यादा, सपोज हमने सोचा हो कि 1000 किलो अनाज स्टोर करके रखना चाहिए ताकि कुछ भी वॉर, फेमाइन, अकाल की परिस्थिति में रख सके, बट 1000 भी नहीं, सपोज अपने पास 2000 किलो का बफर स्टॉक हो तो उसका तो कुछ काम ही नहीं, एंड अननेसेसरीली वो नहीं तो किसी को मिलता है और बिगड़ रहा है। तो अब FCI सोच रही है कि ये सारा अनाज हम लोग ओपन मार्केट में बेच देंगे और थोड़ा अनाज हम लोग अफ्रीका के गरीब देशों को डोनेशन में दे देते हैं क्योंकि हम इसको स्टोर नहीं कर सकते और बिगड़ रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि बेफिजूल में ये सब नुकसान हो रहे हैं। सेकंड, सपोज मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो कि वीट का 1800 रुपीज पर क्विंटल 100 किलो, तो ये तो FCI ने पे कर दिया फार्मर को। उसके ऊपर FCI के याद करो स्टोरेज के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के, ट्रक ड्राइवर के, लेबरर के सब खर्चे, ऐसा करके FCI का इकोनॉमिक कॉस्ट कितना है? 100 किलो अनाज लाने का FCI का इकोनॉमिक कॉस्ट है 2700 रुपए, यानी अगर 100 किलो पर 2700 का खर्च तो 0-0 कट करो तो 1 किलो पर FCI को ये कितने में अनाज पड़ा? 27 रुपीज में।
हम लोग मित्रों सिक्स्थ पिलर में पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें ऐसा लिखा है कि गरीब लोगों को सस्ते में अनाज बेचो। एफसीआई ने कितने में अनाज पड़ा उसको, 27 रुपीस पर किलो में। फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलता है कि भारत की 67% पॉपुलेशन को सस्ते में अनाज बेचो। सस्ता मतलब राइस है तो 3 रुपये प्रति किलो, वीट गेहूं है तो 2 रुपये प्रति किलो, और दूसरे कोर्स ग्रेन्स ये ज्वार बाजरा वो सब तो 1 रुपये प्रति किलो में बेचो। यानी किसान से महंगे में खरीदा 27 रुपये में और गरीब को 1 से 3 रुपये में, गरीब को सस्ते में बेचो। ये क्या हो गया, फूड सिक्योरिटी गरीबों को मिल गया, काम हुआ। हावेवर यहाँ पर नुकसान हो रहा है किसका, एफसीआई का। उसने खरीदा है 27 रुपीज में, सपोज वीट की बात करें 2 रुपये में बेच रहा है तो नुकसान कितना हुआ, 27 - 2 = 25 रुपीज पर किलो नुकसान हो रहा है। तो सरकार ने एफसीआई को सब्सिडी देनी चाहिए, सब्सिडी शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या वो सब्सिडी देते हैं, टाइम पर देते हैं, जवाब है ना। पिलर 2D वहां पर याद रख करो, एक्स्ट्रा बजेटरी रिसोर्सिस, बजेटेतर संसाधन। सरकार पार्लियामेंट में तो बोलेगी हम लोग 8 लाख करोड़ रुपए बोरो करेंगे, हमारी फिजल डेफिसिट 3.5% GDP, और उसमें से फूड सब्सिडी के नाम पर हम लोग एफसीआई को 1.2 लाख करोड़ रुपीज देने वाले हैं। ये सब बोलते तो है, बट असल में गवर्नमेंट प्लेइंग द मिस्चीफ, टाइम पर सब्सिडी रिलीज नहीं करती, इसलिए एफसीआई ने मजबूरन खुद से पैसा बाजार से बोरो करना पड़ता है खुद से। वो याद करो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का पैसा, सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा, वो सब नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जाता है, वहां से एफसीआई वाले खुद बोरो करते हैं और ये जैसे तैसे करके मारपीट के योजना चलाते हैं। आगे चल के सरकार कभी कभी पैसा रिलीज करेगी नहीं करेगी, इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ इश्यूज। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि ये नुकसान जो हो रहा है, इतना ज्यादा नुकसान क्यों हुआ, 27 रुपीज का माल आप 2 रुपए में बिकवाओगे तो 25 रुपए का नुकसान होगा, इसलिए सब्सिडी का बिल इतना ज्यादा है कि सरकार भी नहीं भर सकती, तो टाइम पे रिलीज नहीं करती। तो निकलने का एक रास्ता ये है, ये गेहूं को 2 रुपए में क्यों बेचते हो, 10 रुपए में बेचो ना। यानी कि जो कम गरीब है उससे ज्यादा पैसा लेना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली सब्सिडी का जो बर्डन है वो 25 रुपए से कम होके 17 तक आ जाए। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट में ऐसी सब बातें हैं कि भारत की 67% पॉपुलेशन कवर होती, लेकिन असल में तो हम लोग पढ़ेंगे सिक्स्थ पिलर में कि भारत के अराउंड 21-22% पॉपुलेशन ही बहुत गरीब है, बाकी सब लोग तो इतना तो पैसा कमाते हैं कि 2 टाइम का खा सके। यानी कि ये जो दाम लिखे गए 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये, उसमें तो एकदम बॉटम 20% पॉपुलेशन को ही दो, उसके ऊपर वाले जो लोग हैं अफकोर्स वहां पर भी लोअर मिडिल क्लास टाइप के होंगे, तो उनको रिलेटिवली लेस पुअर गिन के थोड़ा ज्यादा प्राइस चाहिए करो, 2 रुपये नहीं, उससे सपोज हम लोग 27 रुपये का माल उसको 20 रुपये में बेचो या 15 में, ताकि सब्सिडी का बर्डन कम हो तो हमारी इकोनॉमी और ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट ठीक से चल सके। सो दैट इज अ रिफॉर्म सजेस्टेड। तीसरा, ये पीडीएस शॉप में जैसे कि 2 रुपये प्रति किलो वीट बेचना है क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा है, प्राइवेट दुकान में आप जाओ तो हो सकता है आपको गेहूं 30 रुपये प्रति किलो मिले। तो इकोनॉमिक सर्वे ने यह कहा कि क्यों ना हम सब गरीब जनता को बोले कि आप जाके बाजार से खरीद लो कितने में, 30 रुपये में, और आपको मतलब नुकसान कितना हुआ, जनता ने 2 रुपये में मिलना चाहिए था, 30 रुपये बेच के आए, 30 रुपये खर्च करके आए, तो 28 रुपये का जो आपको सब्सिडी देना था वो भारत सरकार ये एकदम जो गरीब लोग हैं उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पे जमा कर देगी। यानी कि ये क्या हुआ, कैश ट्रांसफर, नगदी का हस्तांतरण, अफकोर्स रोकड़ा नहीं देंगे उसको, बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे। ब्राजील के अंदर बोल्सा फैमिलिया, मेक्सिको में अपॉर्चुनिटी डाडीज, फिलीपींस के अंदर पेंटाविड समथिंग समथिंग पेमिलियांग फिलिपिनो, ऐसी योजनाएं चलती, ये सब है कंडीशनल कैश ट्रांसफर। सीधा सीधा सबको पैसा नहीं मिलता, उसमें शर्त होती है कि बच्चे को स्कूल में भेजना पड़ेगा, बच्चे को पोलियो का वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, आपने कम से कम इतने स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ऐसी कंडीशनल कैश ट्रांसफर या फूड कूपन सिस्टम होती है। तो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है
कि सब गरीबों को 2-3 रुपए अपन थोड़े कुछ कंडीशन डालो को बच्चे को स्कूल में डालना होगा वगैरह तो ही पैसा मिलेगा, ऐसा सब करे तो अपनी इकोनॉमी और उससे भी बेहतर कि अपना ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो सके। और उससे ये भी फायदा होगा कि FCI उसने बहुत सारा अनाज रखना पड़ता है क्योंकि PDS शॉप को देना है, वो करना नहीं पड़े, वो बाजार से पूरा खरीदते रहे लोग, तो FCI के गोडाउन में लोड कम करना पड़े। ये सब देखते हुए बजट 2020 में उन्होंने कुछ सीधा एक्सप्लिसिटली तो नहीं बोला कि हम ये सब करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा बोले गरीबों से हम लोग ज्यादा पैसा मांगेंगे तो वोट लेने में मुश्किल हो जाएगी, तो उन्होंने उल्टी दिशा पकड़ ली कि हम लोग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी सरकारी संस्थाओं को और पैसा देंगे ताकि उनकी गोडाउन की कैपेसिटी बढ़े, ताकि वहां पर हम लोग और अनाज स्टोर कर सके। सेकंड, अदर देन FCI ये सब जितना भी मिल्क, वेजिटेबल, एग, मीट है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे के अंदर हम रेफ्रिजरेशन वाले कोच इंस्टॉल करेंगे। थर्ड, हम लोग फिफ्थ पिलर में पढ़ेंगे, एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो उसका काम क्या है, ये सब एयरप्लेन इंडस्ट्री को वो देखेगा, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नेशनल और इंटरनेशनल रूट पर नए नए फ्लाइट्स अलाउ करेगी। रूट पे जैसे सपोज अहमदाबाद से मुंबई के रूट पे तो फ्लाइट है ही, बट अगरतला से मुंबई के रूट पे स्पेशल फ्लाइट आदमियों के बैठने के लिए नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर कार्गो, उसके अलग टाइप के प्लेन आते हैं उसमें रेफ्रिजरेशन की सुविधा, वो सब करेंगे ताकि नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट उन सब से भी हम लोग सब एग्जॉटिक फ्रूट फ्लावर वो सब एक्सपोर्ट कर सके और अपनी एक्सपोर्ट इनकम बढ़े। सो दैट इज द MSP। अब इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है और उसको रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है, PM आशा योजना, वो भी पढ़ते हैं, बट बिफोर दैट लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर सम 5 मिनट्स।
All right, so the next topic is limitations of MSP. वैसे तो हमने पढ़ा कि MSP के नाम पर 23 अलग अलग चीजों के प्राइस अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोक्योरमेंट सिर्फ राइस और वीट का ही होता है, यानी सीरियल ग्रेन का। ये जो बाकी चीजें जैसे पल्सिस, ऑयल सीड, वो सब सरकार और FCI असल में खरीदती नहीं, सिवाय कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हो। दूसरी प्रॉब्लम, FCI नापेड ये लोग खरीदने जाते भी हैं तो वो बड़े टाउन या डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक ही, पुणे, नासिक, लखनऊ, इलाहाबाद तक खरीदी करेंगे, एकदम छोटी छोटी जगहों पर वो जाएंगे नहीं। और छोटे किसान के पास ट्रैक्टर, टेम्पो की सुविधा नहीं होगी कि वो बड़े सेंटर तक सामान लेके आ सके, तो सिर्फ बड़े किसान, शहर से करीब रहने वाले किसान, उनका ही फायदा होता है। ये सबको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1997 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम लॉन्च करी, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी, बिहार, ओडिशा, उनको बोल दिया गया कि आप खुद से ही सारा अनाज खरीद लो और फिर आप नीचे गरीबों में उसका फूड सिक्योरिटी एक्ट में आगे चल के वितरण होगा, आप खुद से वो सब खरीद लेना और FCI का काम उतना कम हो जाए। लेकिन अगेन इसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिला, पर्टिकुलरली जो रूलिंग पार्टी के अलावा वाले स्टेट्स होंगे वहां पर वो काम नहीं करते। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वेजिटेबल और फ्रूट के लिए तो अनाउंस भी नहीं किया जाता। सो दीज आर ऑल लिमिटेशंस ऑफ MSP। तो इसको सॉल्व कैसे करें? MSP की खामियों को दूर करना है, उसके लिए सरकार लेकर आई PM आशा योजना। ये हम लोग हैंडआउट में अराउंड पेज 40708 तक पहुंच गए हैं। PM आशा योजना टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ MSP। 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PM आशा बनाया गया। इसका बॉस है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर्स की, मतलब केंद्रीय क्षेत्र की योजना, यानी 100% फंडिंग यूनियन देगा, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा नहीं देना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? MSP सिस्टम में जो खामियां हैं उसका इलाज करेंगे। पहली खामी, हर जगह FCI जाकर छोटे छोटे गांव शहरों से खरीद नहीं सकता। तो सपोज कोई ऐसा इलाका है जहां पर ट्रेडर, गवर्नमेंट ने MSP अनाउंस किया कि 1800, लेकिन ट्रेडर बोल रहा है कि मैं तो 1700 ही दूंगा, और FCI असल में उसके इतने सेंटर, गोडाउन या स्टाफ नहीं कि वो वाले सिटी में जाकर खरीद सके। तो फार्मर को बोल दिया जाएगा, हाँ भाई चल तू जाके 1700 में ही बेच दे उसको प्राइवेट ट्रेडर को, और तुमको जितना नुकसान हो गया, कितना, 100 रुपए का, तो 100 रुपए का डिफरेंस गवर्नमेंट ये फार्मर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो इसको बोला गया प्राइस डेफिशिएंसी एंड पेमेंट स्कीम। किसान निजी व्यापारी को बेचते और उसको अगर कुछ कम मिले मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, तो गवर्नमेंट नुकसान की भरपाई करेगी। अफकोर्स इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। अब ऐसा नहीं कि फार्मर को वो सेलर बोले 1 रुपये में ही और फिर उसका जो नुकसान हो गया 1799 तो गवर्नमेंट इतना पे करे। देयर आर सर्टेन लिमिट की इतने परसेंटेज तक कवर करेंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए PM आशा योजना, उसका पहला कंपोनेंट प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, मतलब प्राइवेट सेलर को बेच दो, 100 रुपए का कुछ नुकसान होगा सरकार देगी, प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ लिया। दूसरा कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम, यानी कि हमने पढ़ा कि सिर्फ राइस और वीट, गेहूं चावल का ही प्रोक्योरमेंट होता था, तो अब से FCI और दूसरी सेंट्रल एजेंसी पल्सिस, मतलब दाल, ऑयल सीड, वो तिलहन और तेल के जो बीज होते हैं, और कोपरा यानी कोकोनट, इसका भी फिजिकल प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगी ताकि किसान को असल में कुछ फायदा मिले। थर्ड, ये बात सही है कि हर छोटे गांव शहर में FCI नहीं जा सकती, गोडाउन नहीं बना सकती, तो हम लोग प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनियों को हायर करेंगे, उनको आउटसोर्सिंग में बोल देंगे कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट MSP प्राइस पर आप अनाज फार्मर से खरीद लो और हम आपसे फिर ले लेंगे और आपको इतना कमीशन मिलेगा, जिसको बोला गया प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम। तो यानी MSP में जो समस्या थी उसको सॉल्व करने के लिए PM आशा और उसके ये 3 कंपोनेंट्स हैं। तो हमने सारे इनपुट यूज करके जो अनाज बनाया था बेचने में, APMC मंडी पर, ऑनलाइन इनाम पोर्टल पे बेचा, खामियां थी तो APMC का ऑर्डिनेंस, फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऑर्डिनेंस, हमने थोड़ा एक्सपोर्ट भी कर लिया, MSP पर सरकार ने भी खरीद लिया, MSP में खामी थी तो PM आशा योजना बना दी,
अब उसके बाद वाला मुद्दा ये है कि विदाउट बाइंग सीधा ही किसान को पैसा दे दे सरकार। एमएसपी में तो कुछ ये बात थी कि सरकार 1800 देगी, बट शर्त सामने क्या थी कि 100 किलो अनाज दे, बट ऐसा कुछ नहीं, तुम सीधा ही हम तुमको 6000 रुपए दे देते। ऐसी एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डैश इनकम सपोर्ट स्कीम। इंटरिम बजट 2019 में लॉन्च करी गई। इसका बॉस है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ओरिजिनली यहां पर बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी कौन था? ऐसा स्मॉल मार्जिनल फार्मर जिसके पास अप टू 2 हेक्टर की जमीन है, मतलब बड़े वाले फार्मर को नहीं देना था, छोटे वाले फार्मर को ही देना था, ऐसा ओरिजिनली बोला। लेकिन उसके बाद जनरल इलेक्शन में जीतने के बाद किसानों को एक प्रकार से जैसे कि आभार व्यक्त करने के लिए कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस विनिंग द इलेक्शन, सरकार ने बोला अब से लैंड की ये सब सीलिंग उसको नहीं गिनेंगे, मतलब 2 हेक्टर भी नहीं, 5 हेक्टर 7 हेक्टर आपके पास ज्यादा भी जमीन है तो आप फिर भी हम आपको 6000 रुपए तो देंगे ही। और ये 6000 एक बार में नहीं देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, 2000 2000 2000। अब ऐसा 3 इंस्टॉलमेंट में क्यों दिया जाएगा? एक तो ये कारण हो सकता है कि क्योंकि गवर्नमेंट को भी धीरे धीरे पैसा आता है, किधर से? एडवांस टैक्स में 3-3 महीने पर, जीएसटी के अंदर 1-1 महीने पर, तो सारा ही एक बार में देना हो तो गवर्नमेंट को भी थोड़ी इश्यूज आते हैं कैश फ्लो में, तो टुकड़ों में देंगे, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि साल में 3 बार धीरे धीरे देंगे तो 3 बार प्रेस स्टेटमेंट, 3 बार एडवर्टाइजमेंट, 3 बार न्यूज में खबर, तो वो पॉलिटिक्स के लिए भी उपयोगी है। बट एनीवेज तो 2000 रुपीज टाइम 3 इंस्टॉलमेंट 6000 रुपया मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है उसके सामने? फार्मर ने गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है, बट फार्मर को पैसा हाथ में आए तो वो सीड, फर्टिलाइजर, मोबाइल फोन, डिश टीवी, टाटा स्काई का कुछ रिचार्ज करना है, उसकी मर्जी की बात है, कोई कंडीशन नहीं कि उसने किस में पैसा यूज करना है, बट इट इज अज्यूम कि वो सब एग्रीकल्चर के लिए यूज करेगा। 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये योजना लॉन्च होती है। इज द लोकेशन इंपॉर्टेंट? सीडीएस का एक प्रश्न याद करो, वहां पर वो थी कौन सी, पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वो कहां से उद्घाटन हुआ, रांची था या किधर से पूछा था? सो यस, देयर हैज बीन अ ट्रेंड, बट वो नॉन आईएएस एग्जाम में होता है तो उस हिसाब से हमने याद रखना है कि किधर से, यूपी, और यूपी में भी किधर, गोरखपुर। फीचर क्या है? 2000 रुपए टाइम्स 3 इंस्टॉलमेंट, साल में 6000 रुपए किसान को मिलेंगे विदाउट, ही डजंट हैव टू सेल एनीथिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वो जो उनका टाइम होगा कि ये रबी क्रॉप के एडवांस में या खरीफ क्रॉप के एडवांस में, वो तारीख कुछ तय करके रखी होगी, लेकिन 2020 में कोरोना क्राइसिस के बाद आत्मनिर्भर भारत और उसके नीचे भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम पर सरकार ने बोला कि इस साल जो हमने इंस्टॉलमेंट देना था उसका 2000 रुपए का इंस्टॉलमेंट, हम लोग जो भी हमने तारीख तय करी थी कि ये वाले महीने में, उससे एडवांस में हम आपको दे देंगे, जिसको बोला जाता है कि हम लोग फ्रंट लोडिंग कर देंगे, यानी अग्रभार या तय सीमा से पहले एडवांस में आपको पैसा दे देंगे ताकि आपको ये कोरोना क्राइसिस में थोड़ी मदद रहे। ओके, तो सपोज आपकी इच्छा जो है हमको भी 6000 रुपए चाहिए तो आपको मिल सकते हैं। वेल, यू हैव टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स, देन यू कैन गेट इट। डॉक्यूमेंट के नाम पर आपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ये इसमें से कुछ भी दे सकते हैं। फिर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, वो नंबर को लैंड ओनरशिप डेटाबेस के साथ क्रॉस चेक करेगी, और अगर पता चला कि आपके पास जमीन है तो यस, देन यू विल बी एबल टू, एग्रीकल्चर लैंड है, आप एग्रीकल्चर फार्मर है तो आपको मिलेगा। यहाँ पर आधार कार्ड शुरुआत में बोला कि ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं, पहले 2 इंस्टॉलमेंट ऐसे ही दे देंगे, बट धीरे धीरे फिर उसको वो कंपलसरी करने वाले, ताकि एक ही आदमी 3-4 जगह गलत जगह से पैसा उठाता रहे वो सबसे लड़ सके। रिमूविंग द डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज। मोबाइल फोन नंबर भी सरकार ने बोला ऑप्शनल है, बट अगर आप दे देंगे मोबाइल नंबर तो जब भी पैसा बैंक में ट्रांसफर होगा हम आपको SMS से नोटिफाई करेंगे। यहाँ पर सारा पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो कंपलसरी है कि आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर देना होगा और IFSC कोड लिखवाना होगा। IFSC कोड क्या है? वो बैंक के ब्रांच का जैसे पिन कोड नंबर होता है लोकेशन का, वैसा ही बैंक ब्रांच का IFSC कोड, ताकि पता चले कि गांधीनगर ब्रांच तो वो कौन सी, ओडिशा वाला गांधीनगर, दिल्ली वाला गांधीनगर की गुजरात वाला गांधीनगर।
मैकेनिज्म में केंद्र सरकार पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड के हिसाब से बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा डालेंगे। किसी किसान को फरियाद है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की ग्रीवांस रेडेसल कमेटी, वहां पर कुछ ऑफिसर्स होंगे, उनके साथ वो फरियाद कर सकता है। इसके अंदर भी कुछ क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस हैं। एक क्रिटिसिज्म ये कि अगर फार्मर का नाम स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लैंड रिकॉर्ड में नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। तो यानी ऐसे किसान जो कि लैंडलेस है या टेनेंट फार्मर है, उनके खुद के नाम पर जमीन नहीं, किसी बड़े किसान की किराए पर वो जमीन लेके खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उनको ये 6,000 नहीं मिलेंगे। सिमिलरली ट्राइबल फार्मर्स जिनके पास शायद लैंड ओनरशिप के रिकॉर्ड ना हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट में वैसे तो बातें सब हैं कि वो जंगल में भी खेती बाड़ी कर रहे हो 75 ईयर से तो उनको ओनरशिप देनी चाहिए, बट वो पंचायती राज बॉडीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो उतना एंथ्यूजियाज्म से उनको सब लैंड डॉक्यूमेंट नहीं देते, तो वो भी जिनके पास नहीं है तो नहीं मिलेगा। फिर ओरिजिनली ये भी क्रिटिसिज्म था कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है उसको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां 5 हेक्टेयर जमीन हो बट आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं हो तो कुछ अच्छी उत्पादन होती नहीं थी, तो उनको भी पैसा की जरूरत तो थी इन द ड्रॉट प्रोन एंड रेन फेड एरियाज, बट खैर बाद में तो सरकार ने उन सभी को कवर कर दिया, तो अब ये तो क्रिटिसिज्म है नहीं। कुछ ये भी क्रिटिसाइज करते हैं कि सिर्फ 6,000 रुपए में क्या होगा, उसमें ना तो सीड, फर्टिलाइजर, फार्म लेबर के वेजेस कुछ भी पूरे ढंग से तय कवर नहीं हो सकता। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है और ठीक से आपने खेती बाड़ी करनी है तो मिनिमम आपको 50,000 रुपीज चाहिए, तब जाके काम हो सकता है। तो 6,000 रुपए इट इज अ वेरी इनसफिशियंट अमाउंट। उसके सामने कुछ स्टेट गवर्नमेंट जैसे ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट की कालिया स्कीम या तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की रायथू बंधु स्कीम, उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, सपोज 10,000 रुपीज, 40,000 रुपीज, तो स्टेट गवर्नमेंट आर रनिंग बेटर स्कीम, ऐसा भी क्रिटिसाइज किया जाता है। उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, याद करो 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला था 42% टैक्स डेवोल्यूशन, 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला 41% टैक्स डेवोल्यूशन, और उसके अलावा भी ग्रांट में और पैसे देते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है, उनको ठीक लगे तो हाँ वो ज्यादा दे, किसी ने मना नहीं किया है। यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर तो लिमिट है कि वो फिजल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP सम 3-3.5% में कंट्रोल में करना है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यूनियन 6,000 दे रही है। अब सामने स्टेट गवर्नमेंट वाला सपोज 10,000 दे तो कोई मनाही नहीं, 40,000 दे तो कोई मनाही नहीं, अच्छा है, फार्मर सब जगह से फायदा ले और खेती बाड़ी करे, फार्मर कैन बेनिफिट फ्रॉम ऑल द स्कीम्स। एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन, तो इसको क्या करना है, पीएम किसान का अभी तक MCQ या कुछ सवाल बना नहीं मेंस एग्जाम में, तो इसलिए हमने ये योजना को तैयार करना पड़ता है। सक्सेसिव इकोनॉमिक सर्वेज हैव हाइलाइटेड द नीड दैट फार्मिंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज इन इंडिया। अलग अलग आर्थिक सर्वेक्षण ने पाया है कि भारत के अंदर खेती बाड़ी मुनाफे वाले उद्योग नहीं है, और फिर UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सतत विकास लक्ष्य गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 जीरो हंगर, मोदी गवर्नमेंट का खुद का टारगेट कि 2022 तक किसानों की इनकम दुगनी करनी है, ये सब हमने करना है, बट इंडियन फार्मर इज ऑफन एट द मर्सी ऑफ मानसून एंड मंडी मर्चेंट्स। कभी तो वो शिकार हो जाता है मानसून का, कभी मंडी के ट्रेडर्स का, इसलिए पीएम किसान इनकम सपोर्ट स्कीम इज देयरफॉर अ नोटेबल इनिशिएटिव टू एम्पावर हिम, उसका सशक्तिकरण करने में मदद करेगी। तो ये क्या है, अप्रिशिएटिव टोन है, भक्ति टोन नहीं होना चाहिए। भक्ति टोन में कुछ लोग सीधा ऐसा लिख देते हैं, इट इज अ रेवोल्यूशनरी स्कीम दैट विल कंप्लीटली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर। भाई अगर इधर 60,000 रुपीज पर ईयर दे रहे होते तो बराबर, ये तो 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए में अच्छा मोबाइल नहीं मिलता तो फार्मर के सारे डिस्ट्रेस कैसे सॉल्व हो जाएंगे। तो क्रांतिकारी योजना है, सारी समस्याओं को दूर कर देगी, इस प्रकार की अतिशयोक्ति वाली भक्ति टोन हमने उससे बचना चाहिए। सो दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पीएम आशा, और फिर हमने देखा पीएम किसान। उसके बाद वाला टॉपिक है फूड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब बहुत सस्ता हो जाए। तो प्रश्न कई बार आपको भी होता है, मुझे भी, प्याज टमाटर इतने महंगे क्यों है। तो इस मुद्दे का इंट्रोडक्शन क्या होगा, हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ सीड्स टॉपिक में कि कैसे हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उपज वाली हाइब्रिड बीज दिए गए, एंड एज अ रिजल्ट गेहूं चावल के उत्पादन में तो वी आर
सेल्फ रिलायंस, स्वनिर्भर हो गए। इनफैक्ट थर्ड पिलर में याद करो कि इंडिया इज द नंबर वन एक्सपोर्टर इन केस ऑफ राइस, तो उधर तो महंगा हो गया, ऐसा हम कोई रोना धोना नहीं करते। रोना धोना अपना चलता है प्याज टमाटर के आसपास, कि पेरिशेबल फूड एंड पेरिशेबल वेजिटेबल्स दे हैव रिमेंड अवर अकिलीज हील। अकिलीज हील मतलब वो ग्रीक ऐसी कोई दंत कथा है कि अकिलीज को वरदान था कि वो हमेशा लड़ाई में जीतेगा, बट उसकी जो हील पैर का वो घुटना या उससे नीचे का भाग, उसमें अगर तीर लगेगा तो वो मर जाएगा। वो ऐसी बात कि अपने दुर्योधन की जांग पे अगर गदा मारेंगे तो वो मर जाएगा। तो उसी प्रकार राइस में और सीरियल प्रोडक्शन में तो हम स्ट्रांग हो गए, बट ये अपने दुर्योधन की जांग जैसा है कि फ्रूट वेजिटेबल का इन्फ्लेशन भाई हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता। सीजनल स्पाइक इन द ऑनियन टोमेटो पल्सिस, दाल के अंदर भी दाम बढ़ जाते हैं। इट इज अ रिकरिंग नाइटमेयर फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ इंडिया। और उसके प्रमुख कारण क्या है? कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर हैं जिसके चलते प्राय ऑनियन टोमेटो पल्सिस सब महंगे हो जाते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जिससे सिर्फ प्याज महंगे हो जाते हैं, कुछ ऐसे जिससे टोमेटोज, कुछ पल्सिस, फिर उसमें गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स भी लिए हैं। एंड देयर इज वन असेंशियल कमोडिटीज एक्ट जिसमें स्टॉक लिमिट वगैरह दिए गए थे, बट उसमें भी फायदा कम नुकसान ज्यादा था। तो आत्मनिर्भर भारत के नाम पर सरकार ने असेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी कुछ ऑर्डिनेंस अध्यादेश से सुधार किए। तो ये सारे मुद्दे क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट वो कब पढ़ेंगे? कल रात। तो ये हमने करीब पेज 409 तक पढ़ लिया, मतलब ये एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन के ग्राफ से ऊपर वाली तक की चीजें। तो जो पढ़ा है वो कल सुबह पहली फुर्सत में रिवाइज कर लेना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सवाल ऐसे हों कि जहाँ पर 34% लोग ही उसको करेक्ट करें, और फिर कुछ आसान परंपरागत कृषि विकास योजना तो उसमें 82% लोग करें, वो सही है, बट तो फिर आपके इधर भी सब जगह पर 82% लोगों के करेक्ट होने चाहिए। ओनली देन यू कैन होप टू गेट गुड रिजल्ट। सो आई विल एंड द क्लास हियर, और कल रात इधर से कंटिन्यूएशन में रहते हैं।